उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रोटरी क्लब की ओर से ओम वनमाली जी को, और वो आज की पहले की कार्य जो क्रियाएं हैं कार्य हैं उनको आरंभ करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी चर्चा आज की आरंभ करेंगे। ओम जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, सभी को सुप्रभातम। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस से संबंधित इस आयोजन में आपका अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करता हूँ हमारे प्रमुख आज के इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु डॉक्टर विष्णु दत्त जी, प्राचार्य दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य, कृपया आएं आसन ग्रहण करें। इसके साथ ही मैं अनुरोध करता हूं रोटरी क्लब अंबाला इंडस्ट्रियल एरिया की प्रधान रोटेरियन रचना बनमाली जी से कि कृपया आए आसन ग्रहण करें। आज के इस प्रकल्प के निदेशिका रोटेरियन डॉक्टर चांद चावला जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया आए आसन ग्रहण करें। इस समागम में विधिवत हम इसका आरंभ करने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रकल्प प्रमुख मैडम जान चावला जी से कि वो प्रधानगी का प्रतीक हमारे कंठहार पहनाएं रोटरी प्रधान जी को। धन्यवाद मैडम जान चावला। मैं अब अनुरोध करता हूँ इस समागम में उपस्थित रोटरी क्लब अंबाला इंडस्ट्रियल एरिया की प्रधान रोटेरियन रचना बनमारी जी से कि कृपया सभा की कार्रवाई को आरंभ करने का आदेश दें। धन्यवाद। हमारी परंपरा के अनुकूल सभा आरंभ करते ही हम राष्ट्रगान से सभा का आरंभ करते हैं। आप सबसे निवेदन कि कृपया राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होंगे। जन गण मन अधिनायक रहे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा काविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा। जन गण मन गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं अनुरोध करता हूँ क्लब प्रधान रोटेरियन रचना बनमारी जी से कि कृपया आए और सभी का स्वागत करें। रचना बनमारी जी।
मंच पर विराजमान विष्णुदत्त प्राचार्य सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय डॉक्टर रजिंद्रा संस्कृत विभागाध्यक्ष जीएमएन कॉलेज डॉक्टर चंद्र कुमार झा चंद्र कुमार झा संस्कृत विभागाध्यक्ष महाराणा प्रताप नेशनल कॉलेज मौलाना डॉक्टर आशुतोष अंगिरस संस्कृत विभागाध्यक्ष सनातन धर्म कॉलेज रोटेरियन चांद चावला प्रोजेक्ट डायरेक्टर अन्य क्लब सदस्य एवं अतिथिगण आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। इस राष्ट्रीय परिचर्चा में मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से तथा रोटरी क्लब सदस्य रोटरी क्लब अम्बाला इंडस्ट्रियल एरिया के सभी सदस्यों की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा क्लब समाज सेवा के माध्यम से एक बेहतर दुनिया के लिए आसपास के कस्बे अपने शहर में कई वर्षों से विभिन्न सेवा प्रकल्प आयोजित करता रहा है। इसके साथ ही क्लब संस्कृति के उत्थान के लिए भी आयोजन किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में विश्व संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में इस परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें मेरा विश्वास है कि आपकी उपस्थिति और संवाद इसे सार्थक बनाएगा। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि परिचर्चा में सक्रियता दर्शाएं। पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब आगे की कार्रवाई आरंभ करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर आशुतोष आंगिरस जी से, कृपया आए। इसके साथ ही हमारे और अतिथि जो आए हैं डॉक्टर श्री रोटेरियन जुल्का जी, मैडम विजया शर्मा जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। आइए धन्यवाद बनमाली जी। आर के बख्शी जी से अनुरोध है कि कृपया अपना जो स्क्रीन शेयर है उसको वो रोक दें, प्लीज उसको आप हो गया नहीं, एक सेकंड फिर मुझे यहां से करना पड़ेगा दोबारा। कृपया आप लोग स्क्रीन शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि फिर उससे बड़ी कठिनाई हो जाती है। मैं एक सेकेंड दोबारा स्क्रीन शेयर कर लूं, क्योंकि आजकल ये दृश्य श्रव्य वाले जो व्यवस्था है इसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। आई होप विजिबल, ओके जी। तो आज की इस संक्षिप्त कार्यक्रम का आरंभ होने के पश्चात हम अपनी मुख्य चर्चा की ओर अग्रसर होते हैं। रोटरी क्लब इंडस्ट्रियल एरिया और एसटी कॉलेज, एसडी आदर्श संस्कृत कॉलेज, जीएमएन कॉलेज और आर्य कॉलेज अम्बाला छावनी की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही इस परिचर्चा में, परिचर्चा के कुछ बिंदुओं पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं और भूमिका के तौर पे कुछ एक दृष्टिकोण, तथ्य, ओपिनियंस, लोगों की राय और लोगों के व्यवहार के बारे में बात करके हम इस सत्र को ओपन करेंगे, खुला छोड़ेंगे, ताकि आप लोगों की भी बात को हम सुन सकें। सामान्य रूप से संस्कृत को लेकर के ये जो उत्साह का थोड़ा वातावरण बन रहा है, इसके पीछे और इसके साथ बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे अवहेलनाएं, अपमान, तिरस्कार की बातें भी जुड़ी हुई हैं। उन बातों को हम भूल नहीं सकते। अभी भी जो मेन डिस्कोर्स है इस भारत का और वेस्ट का, उसकी ओर अगर आप लोगों का कभी ध्यान गया हो तो आपने देखा होगा कि संस्कृत के ऊपर दो तरह के आक्षेप लगते हैं।
एक आक्षेप तो उसके ऊपर लगता है जाति व्यवस्था का, ब्राह्मणवादी, स्त्री विरोधी, पाखंडी और इसी तरह के अंधविश्वास आदि आदि। और आपका इतिहास इस बात का गवाह है जो कि कम्युनिस्टों और सेकुलरिस्टों के द्वारा लिखा गया है। और ये दुर्भाग्य ही होता है, जिस देश का इतिहास कम्युनिस्टों और सेकुलरिस्टों के द्वारा लिखा जाएगा वहाँ पे अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को तो आप भूल ही जाएं। वहाँ तो फिर क्या होगा वो आप सभी लोग पिछले कुछ सालों में जो कुछ हो रहा है उसको आप देख सकते हैं। और अभी मैं उस विषय पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर के आऊँगा। और क्योंकि अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले एक वेस्ट की लेखिका ने बहुत बड़ी बहुत सारे डॉलर्स खर्च करके एक शोध किया है, और उस शोध में उन्होंने हमें ये बताया है, डोंगर शायद नाम है उनका, और आगे भी उनकी कुछ एक पुस्तकें निकली हैं, लेकिन बहुत सारे डॉलर्स खर्च करके उन्होंने हमें ये बताया कि भारत में जो है वो घोड़ों को भी जाति में विभाजित किया जाता था। और जिस व्यक्ति ने मुझे ये बात बताई और अपना मैसेज फॉरवर्ड किया बड़े उत्साह के साथ, तो मैंने उसे कहा था कि मैंने कहा ये बात तो इसके लिए इतने डॉलर खर्च करने की क्या जरूरत थी, आप मुझसे वैसे ही पूछ लेते, किसी संस्कृत वाले से पूछ लेते, वो आपको बता देता और इसका संदर्भ भी बताता। वो अंग्रेज जो डॉलर खर्च करके काम करेगा उसकी क्या तो मानसिकता होगी, और इतनी मेहनत इतने डॉलर खर्च करके यही ढूंढना था, तो मुझे तो उस पर उसके स्कॉलरशिप पे अफसोस है। बाकी आपके अगर कोई पॉलिटिकल एजेंडा की दृष्टि से आप उसको महत्व देना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण तो कुछ ऐसा ही है। दूसरा जो आक्षेप लगता है संस्कृत के ऊपर, जिस वजह से ये संस्कृत दिवस मनाना और ये विषय लेने बहुत आवश्यक हैं, दूसरा है कि जब आपने उद्योग को व्यापार को उद्योग और व्यापार को जब आपने चुन लिया तो उसके बीच में संस्कृत की स्थिति जो है वो असंगत हो गई। और उसका दोष मैं लोगों को नहीं देता, वो संस्कृतज्ञों को ही देता, क्योंकि उन्होंने उन उद्योग को व्यापार को या अन्य संविधान को कभी परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया, उन चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया जिन चुनौतियों को उनको लेकर के सारे देश को सारे समाज को परिभाषित पुनः परिभाषित करना चाहिए था। तो ये दो पक्ष हैं, आक्षेप हैं, आरोप हैं जो संस्कृत की पृष्ठभूमि में रहते हैं। बाकी ठीक है, हम लोगों के पास अपनी एक समृद्ध परंपरा है और हम कह सकते हैं कि हम संस्कृत दिवस इन कारणों से मनाते हैं क्योंकि हमारे पास बड़ा समृद्ध इतिहास और बड़ा समृद्ध परंपरा और संस्कृति है। लेकिन इसलिए भी ये दिवस मनाना आवश्यक है क्योंकि ये दो तरह के आक्षेप आपके ऊपर लगते हैं, वो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का उत्तर देने का आज हम प्रयास करेंगे। लेकिन उन प्रयासों के बारे में बात करने से पहले मैं एक कथा, जो संस्कृतज्ञ हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको एक 2-3 पंक्तियों की कथा सुनाना चाहता हूँ, कहानी सुनाना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद 2-3 बातें आप लोगों से मैं और साझी करूँगा। पुरानी बात है, हर कहानी पुरानी ही होती है, और संस्कृत में तो पूरा काले शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। उस वक्त एक संस्कृतज्ञ, आप लगा लीजिए कि 100 वर्ष का 70 वर्ष पूर्व की बात कर लीजिए, तो एक संस्कृतज्ञ जो है वो अपने वेदांत पढ़कर और साहित्य पढ़ करके अपने पुरुषार्थ में मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए जंगल में चला गया और वहां जाकर के उसने अपनी भक्ति और अपनी तपस्या करनी आरंभ की। लेकिन एक दिन तपस्या करते करते उसको एक शेर की गुरगुराहट सुनाई दी, तो वो तुरंत वो सब भूल भाल के पेड़ पे चढ़ गया, और वहां से उसने देखा कि एक सिंह जो है, एक शेर आया, और उस शेर ने वहां बैठी हुई एक अपंग अपाहिज लोमड़ी को लाकर के मांस का टुकड़ा दिया और उसके सामने रख करके वो चला गया। अब उस संस्कृतज्ञ ने देखा कि अरे ये तो कमाल हो गया कि जंगल में एक शेर आ रहा है और उस अपंग लोमड़ी के लिए भोजन ला रहा है और उसकी व्यवस्था चल रही है। अब उसने सोचना शुरू किया कि अरे ये तो दिव्य संदेश, दिव्य घटना है और इसका कोई ना कोई मेरे लिए प्रयोजन है, कोई ना कोई अर्थ है।
संस्कृतज्ञ ने उसमें सोचना शुरू किया, क्योंकि आदत होती है तुरंत अध्यात्म में घुस जाने की, व्यवहार छोड़ के अध्यात्म में चले जाओ। अध्यात्म आवश्यक है, निश्चित रूप से आवश्यक है, सारी संस्कृति उसी पर आधारित है, लेकिन व्यवहार को हम छोड़ नहीं सकते। तो उसमें से उसने अर्थ निकाला, क्योंकि दिव्य संदेश लेने की आदत होती है विद्वानों को, तो उसमें से संदेश निकाला कि भी जब लोमड़ी को भोजन की व्यवस्था इस जंगल में हो सकती है तो मेरे लिए भी हो जाएगी, मैं केवल भक्ति करूं। शुरू कर दी, उसको दिव्य संदेश मिल गया, समर्थन मिल गया, और उसने शुरू कर दी। एक दिन दो दिन अपना राम राम जो भी भजन या जो भी तप वो करता रहा। एक दिन बहुत अच्छा चला, दूसरे दिन थोड़ी सी शक्ति कम हुई, तीसरे दिन और अंत में उसकी शक्ति क्षीण होते होते क्या हो गई कि बिल्कुल ही आवाज निकलनी बंद हो गई। अब ऐसी स्थिति में एक आध दिन और निकल गया, तभी उधर से वेद नाम का एक योगी निकल रहा था उस जंगल के मार्ग से, वन के मार्ग से, और उसने देखा एक व्यक्ति संस्कृतज्ञ पड़ा हुआ है और ना जान प्राण है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, और उसने आकर के उसको पानी वानी पिलाया और भोजन आदि कराया, और उसने कहा कि अरे तुम्हारी ये स्थिति ऐसी क्यों हुई? तो उसने ये उत्तर दिया कि भी क्योंकि मैंने ऐसे एक इस अपाहिज लोमड़ी को देखा और शेर उसके लिए भोजन की व्यवस्था करता था, तो मुझे लगा ये मेरे लिए दिव्य संदेश है और मेरी भी व्यवस्था चल जाएगी। तब वहां पर जो वेद नामक योगी ने कहा वो उत्तर आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि मुझे ये बताओ, ये तो ठीक है कि तुमने ये दृश्य देखा और ये सब बातें देखी, तुमने लोमड़ी का चरित्र क्यों चुना, तुमने सिंह की वृत्ति का आश्रय क्यों नहीं लिया, तुमने लोमड़ी का वृत्ति उसका आचरण तुमने क्यों फॉलो किया, तुम सिंह का भी तो कर सकते थे और वो तुमने क्यों नहीं किया। और ये कथा इतनी ही है, और इस कथा से संस्कृतज्ञ जो भी अर्थ समझना चाहें, जो कि पिछले 70 सालों में नहीं रहा, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसका उत्तर हम सबको देखना चाहिए, अपना पुनरावलोकन करना आवश्यक है हम सब के लिए। तो इस दृष्टि से जब आप देखने लगते हैं कि हम लोगों की जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को न जान करके न देख करके हम लोगों ने तुरंत केवल जहां पर भी हुआ शास्त्र की बात कह दी और उससे हम बच गए। लेकिन एक जो एक्टिव रोल संस्कृतज्ञों को निभाना चाहिए था, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में था, चाहे वो समाज की पॉलिसीज बनाने का था, समाज के उद्धार का था, या कुछ भी था, और वो हमने नहीं किया। तो इसलिए ये आज का विषय हमने लिया है कि 21वीं शताब्दी में संस्कृत की संगतता, उपयोगिता एवं व्यवहार परकता। आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि संस्कृत में दो तरह की वैल्यूज आपको बड़ी साफ स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल जो आप देख सकते हैं, नॉलेज रिसर्च एप्लीकेशन बहुत सारा दिखाई देता है, जिस तरह के मंदिर, जिस तरह का औषधि विज्ञान, जिस तरह की केमिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलती है, वो अपने आप में कमाल है। दूसरी तरफ आपको इमोशनल इसकी जो वैल्यूज मिलती हैं, जिसमें आपकी हेरिटेज, नेशनल इंटीग्रेशन, इमोशनल बॉन्डिंग, क्योंकि एक संस्कृति ही ऐसा दृष्टिकोण दे सकती है जो कन्याकुमारी से लेकर के हिमाचल तक, हिमालय तक, एक पूरे का पूरा दृश्य आपको देती है। चाहे हिमालय से आप समुद्र को देखें, चाहे समुद्र से हिमालय को देखें, तो सांस्कृतिक दृष्टि से आपको वही एक पूर्णता की दृष्टि दे पाती है। तो इसलिए संस्कृत के इन दो पक्षों को अगर आप देखें, तो उस दृष्टि से जब मैं संस्कृत को परिभाषित करता हूँ भारतीयता के लिए, तो तीन पक्ष हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सामान्य रूप से संस्कृत में से जो लोग ढूंढते हैं, और विशेष रूप से जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो क्या ढूंढते हैं, जो मैं बता ही चुका हूँ कि जाति व्यवस्था, पाखंड, स्त्री विरोधी, यही उनके 4-5 इश्यूज होते हैं और इसी पे वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं सोशल साइंटिस्ट। लेकिन मैं उन्हें क्या कहता हूँ कि संस्कृत की जब आप बात करते हैं, तो संस्कृत में जाति व्यवस्था वगैरह ये बड़ी गौण सी चीजें हैं और इनको कभी भी करेक्ट कर सकते हैं, और स्वयं संस्कृतज्ञ उसको करेक्ट करने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन संस्कृत को परिभाषित करना है तो उसको आप पहले वैदिक संस्कृति से करेंगे, और वैदिक संस्कृत का मतलब क्या है, कल्चर ऑफ नॉलेज एंड नोइंग, ज्ञान और ज्ञान को जानने की प्रक्रिया, वही वेद है। वेद कोई किताब का नाम थोड़ी है, वेद एक संस्कृति का नाम है, और वेद का मतलब है जानो,
जानना आपका धर्म है, जानना आपका लक्ष्य है, यही मनुष्यता का पहला लक्षण है, ये संस्कृत आपको बताती है। लेकिन हम वेद को एक पुस्तक मान करके बस उसी से अपना काम चलाते रहे। तो वैदिक संस्कृत, संस्कृत के संदर्भ में हमें परिभाषित करनी होगी, जब आपने चुनौती देनी है सोशल साइंटिस्ट को और अन्य लोगों को, तो कल्चर ऑफ नॉलेज एंड नोइंग, ये दोनों उसका आधार है। दूसरा जो आधार है वो है यज्ञ संस्कृति। यज्ञ को केवल अगर आप इतना ही समझते हैं कि भाई आपने लकड़ियां इकट्ठी की, संविधाएं इकट्ठी की, घी डाला और आग जलाई और आहुति दे दी और वो पुरोहितों का काम हो गया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि यज्ञ तब हो सकता है जब आपने कुछ अर्जन किया हो, कमाया हो, और फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना आपका धर्म है। अर्जन करना भी आपका धर्म है और डिस्ट्रीब्यूट करना भी धर्म है। तो टोटल इकोनॉमिक्स, टोटल कॉमर्स आप यहां से परिभाषित करते हैं। तो इसलिए यज्ञ को मैं कहता हूं कल्चर ऑफ एक्शन, टू अर्न एंड टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर आप ये नहीं करते तो आप संस्कृतज्ञ नहीं हो सकते, आप दावा नहीं कर सकते कि आप संस्कृत को जानते हैं। और तीसरा जो पक्ष है संस्कृत की व्यवहार परकता और उसकी संगतता का, वो है योग संस्कृति। अब योग को भी क्योंकि हमने केवल रामदेव को ही जाना है, हालांकि वो बड़े आदर के योग्य है और उन्होंने जो किया है वो अद्भुत कार्य है, लेकिन योग केवल उतना ही नहीं है कि आपने अपने शरीर को कितने प्रकार से मोड़ा और आपने कितनी सांसें ले ली। योग जो है वो क्या है, वो है कल्चर ऑफ एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शन। भारतीयता में ये कभी समस्या नहीं रही कि भारत के संदर्भ में कि आपकी क्रिया कुछ और हो, ज्ञान कुछ और हो, क्योंकि यही तो वो कह के गए हैं, ज्ञान कुछ दूर क्रिया कुछ भिन्न, एक दूसरे से ना मिल सकेंगे, विडंबना जीवन की। ऐसा ये नहीं था और आज हमारी स्थिति यही है कि, और विशेष रूप से संस्कृत के लोगों की, कि वो चाहते तो रामायण के पात्रों की तरह व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन जिस वक्त वो व्यवहार में आते हैं महाभारत के पात्र बन जाते हैं। ये एक बड़ी अजीब स्थिति है। आप कहीं पे भी देख लें, किन्हीं यूनिवर्सिटीज में व्यवहार देख लें, आपको यही मिलेगा, चाहते सारे ही हैं कि हम रामायण के पात्रों की तरह व्यवहार करें, लेकिन महाभारत खड़ा कर देते हैं। हर डिपार्टमेंट की यही बात है। तो ये संस्कृत, मेरी दृष्टि में ये संस्कृत है। कुछ प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं, ये अक्सर मैं देता हूं संस्कृतज्ञों को, कि मुख्य रूप से अगर ये प्रश्न आपके पास नहीं है तो निश्चित जानिए कि आप संस्कृत को दोहरा रहे हैं, संस्कृत के शास्त्रों को दोहराएंगे, उसकी एप्लीकेशन की ओर नहीं जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, क्योंकि हमारे बीच में सारे संस्कृतज्ञ उस रूप में नहीं है संस्कृत सब्जेक्ट के, लेकिन संस्कृत के प्रति सद्भाव रखने वाले लोग हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू वी वांट, हम किस तरह का भविष्य चाहते हैं, ये हम अपने से प्रश्न करें तब इस संस्कृत दिवस को मनाएं कि किस तरह का भविष्य चाहिए। वो भविष्य जो 7.5 बिलियन लोगों के लिए एक धरती थी और उस धरती को हमने उखाड़ फेंका है और आने वाले 25 सालों में उसको मरुभूमि बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, वैसा भविष्य चाहिए या आपको एक आश्वस्त करने वाला भविष्य चाहिए। दूसरा प्रश्न है व्हाट डू वी वांट टू सस्टेन, हम क्या बचा के रखना चाहते हैं, किसके लिए और कितनी देर बचा पाएंगे जिस स्थिति में हम विज्ञान का नाम लेकर के और डेवलपमेंट का नाम लेकर के कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, व्हाट डज अवर थिंकिंग हैव टू डू विद अवर करंट रियलिटी, हमारा जो सोच है जो कि लगातार बम्बार्ड हो रहा है मीडिया के द्वारा, उसमें से आ रही सूचनाएं, उन सूचनाओं के द्वारा जब आप इतने प्रभावित हो रहे हैं तो आप में से कोई दावा कर सकता है कि हम स्वस्थ सोचते हैं, हम तार्किक रूप से सोचते हैं, कहां तक कितने गहरे आपको मीडिया ने प्रभावित कर दिया है, आपकी भाषा को प्रभावित कर दिया है, ये आपको नहीं पता लगता। और वो रियलिटी क्या है, वो मीडिया के कैमरा से जितना वो दिखाता है उतनी आपकी वो रियलिटी हो जाती है। और फिर उसमें अवर एबिलिटी टू अचीव, कि जो हम चाहते हैं उसको हम अचीव भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंडीशनिंग आपकी मीडिया ने कर दी, आपको डिफाइन कर दिया आपकी चॉइसेस ने जो कि इंडस्ट्री ने लाके दे दी, और फिर उसमें हम ये दावा करें कि हम क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, तो वो मुझे संदेह लगता है। लेकिन आप लोग बता सकते हैं अगर आप लोगों ने संस्कृत शास्त्रों के आधार पे कोई क्रिटिकल थिंकिंग का कोई मॉडल डिजाइन किया हो, डेवलप किया हो, जो कि हम छात्रों को सिखा सकें कि सूचनाओं के अति प्रवाह में हम किस तरह से स्वस्थ
सोचें. व्हाट डज अवर एजुकेशन हैव टू डू विद अवर थिंकिंग? और अंतिम ये प्रश्न है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे एजुकेशन नई पॉलिसी आ रही है उसमें दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, और मुझे नहीं पता किसी संस्कृतज्ञ ने उस पर विचार अभी किया है या नहीं किया है, या किया है तो उन्होंने क्या मॉडल उसके लिए दिया है. दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, इंटरडिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन. आप में से अगर कोई विद्वान जो यहाँ पे ऑफलाइन भी उपस्थित हैं और जो ऑनलाइन हैं, अगर कोई इस विषय पे अपना प्रकाश डाले संस्कृत शास्त्रों की ओर से, तो उसका बहुत स्वागत करूंगा मैं, कि होलिस्टिक एजुकेशन का वो अर्थ बता दें और इंटरडिसिप्लिनरी का वो अर्थ बताए. चलिए कुछ एक व्यवहारिक प्रश्न ले लें, क्योंकि हम संस्कृत की जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जहां संस्कृत की छात्रों के छात्र बहुत कम हैं, संस्कृत को हम उस तरह से सामने नहीं ला पा रहे हैं, तो ये प्रश्न अपने पास जरूर रखिएगा कि संस्कृत साहित्य जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत परिवर्तन की अपेक्षा है, लेकिन अभी आप अपने से ये प्रश्न करके देखिए, ये 18 प्रश्न है, कि जो संस्कृत साहित्य आप पढ़ा रहे हैं उसकी उपयोगिता, सार्थकता, प्रासंगिकता, वर्तमान परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता, यथार्थपरकता, उसकी आजीविका से संबंध, वैचारिकता. मैं कई बार पूछता हूँ अपने ही विद्यार्थियों को, मैं जरूर उनको चोटिल करने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी इस पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इनके बारे में क्या राय है. नहीं तो आप देखिए, संस्कृत के विद्यार्थियों की अपनी कोई राय नहीं है, जो कुछ समाज में घट रहा है उनका कोई, बाकी विषयों में क्या है वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा संबंध तो, पहला उत्तरदायित्व तो मेरे छात्र हैं, संस्कृत के छात्र. फिर उनकी जीवन दृष्टि, जीवन पद्धति, छात्रों के प्रति जवाबदेह. जब मैं कहता हूँ कि तुम संस्कृत पढ़ो तो मैं क्या सोच के कह रहा हूँ, नंबरों के लिए. और जिस दिन मैं नंबरों के लिए कहता हूँ तो मेरी आंखें उस दिन झुक जाती हैं, और ये मुझे अपने जीवन में सबसे निकृष्ट काम लगता है कि अगर मैं कभी किसी विद्यार्थी को ये कहूँ कि तू नंबरों के लिए संस्कृत ले. और मैंने कभी नहीं कहा, कम से कम चाहे कम है, एक है, दो है, दस है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि तुझे नंबर दिलाऊंगा. 11वां है कि छात्रों का व्यक्तित्व निर्माण, की संस्कृत पढ़ के निकलते हुए छात्रों का किस तरह का व्यक्तित्व आप प्रदान कर रहे हैं, कभी उसका मूल्यांकन तो करें आप. संस्कृत की प्रतिष्ठा औद्योगिक और सामाजिक, संस्कृत की उपलब्धियां, फिर उसमें रुचिरता, आकर्षण जिसे आप ग्लैमर कहते हैं, और फिर उसमें जो आधुनिक शब्द आ गए हैं स्मार्ट और ग्लैमरस, अग्रसरता और परिवर्तनशीलता और मार्केट डिमांड, क्या ये हैं? क्या हम आज ये दावा कर सकते हैं? अगर इनका उत्तर हाँ है तो हमें ये सेमिनार करने की, वेबिनार करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है. आप अपने को पूरे 100 में से 100 नंबर दे सकते हैं. अगर इसमें से एक का भी उत्तर आपके पास नकारात्मक है तो निश्चित रूप से आप पुनः विचार करें कि इसकी संगतता और इसका जो एप्लीकेशन एरिया है और इसकी यूटिलिटी जो है, उपयोगिता, उसको हम पुनः परिभाषित करें. मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक दो बातें और आप लोगों के साथ जरूर साझा करना चाहूंगा कि देखिए, संसार में दो तरह की भाषाएं हैं. मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, लेकिन जो इसकी बेसिक चीजें हैं उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि संसार में दो तरह की ही भाषाएं हैं. एक है एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान भाषाएं, और दूसरी है उद्योग प्रधान भाषाएं. कृषि प्रधान भाषा जो है वो शुरू होती है जहां पर एक सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति है, सेंसिबल, अंग्रेजी में कहेंगे तो ज्यादा सुविधा रहेगी, नहीं तो फिर वो शब्दों के अर्थ हम बदल देंगे. कृषि प्रधान व्यक्तित्व और भाषा में एक सेंसिबिलिटी रहती है. आप चींटी को भी पैर के नीचे देने से पहले विचार कर लेते हैं, आप पाप और अपराध की बोध को जानते हैं. लेकिन दूसरी तरफ जो कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल लैंग्वेज होते हैं वो गुड और स्मार्ट लोगों की भाषा होती है. वहां पर पाप नाम की कोई चीज नहीं होती, और आपको कानून से किस तरह से बच करके आपने चीजों को बेचना है, हर चीज को आपने बेच देना है, ये वहां की एक डायनेमिक्स होता है. लेकिन मैं उसकी बहुत व्यापक उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मोटे तौर पर आप इस बात को देख सकते हैं, अपने घर परिवार अपने आस पास ये देख सकते हैं कि दो ही तरह की भाषाएं नजर आती हैं, जहां पर आप एक तरफ प्रेम और आनंद की भाषा चाहते हैं, वेलबींग की भाषा चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप बिजनेस की भाषा प्रयोग कर रहे हैं.
तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करें कि हम संस्कृत की जो यूटिलिटी है, जो उसकी उपयोगिता है, जो उसका रेलेवेंस है, जो उसकी एप्लीकेशन है, उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाएं, कोई ना कोई उसका व्यूह रचना करें और वो व्यूह रचना प्रभावी भी हो। और एक उदाहरण दे करके मैं आमंत्रित करूंगा आप लोगों के विचारों को और फिर हम बातचीत को अग्रसर करेंगे। कोई भी आप में से अपना परिचय देकर के अपनी बात रख सकता है। चलिए एक मोटी सी हम चीज ले लेते हैं। हम अभिज्ञान शाकुंतल पिछले 70 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं और कभी हमने उसको बीए फाइनल से हटाया ही नहीं है। और क्या पढ़ाते हैं उसमें, कौन से छंद, कौन सा अलंकार, कौन सा रस और नायक नायिका का चित्रण, आप क्या करते हैं उससे, क्या किया उससे आज तक 70 सालों में, कोई निष्कर्ष निकाले? कभी आपने बताया कि भाई इस रस को आप अनुभव करते हैं? जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप ही जानते हैं बेहतर, मैं नहीं चाहता उसमें। लेकिन कभी आप इस दृष्टि से भी इस अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ाएं, जिसे हम कहते हैं GNHI, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, कि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से इस राष्ट्र को एक पॉलिसी दे रहे हैं, सोशल पॉलिसी दे रहे हैं, जिसका नाम है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि आप GDP से उठने वाली जो चीजें हैं, GDP के द्वारा जो सोचे जाने वाली चीजें हैं, उनको आप चुनौती दे सकते हैं। बहुत ब्रीफ में मैं आपको उसके जो पॉइंट हैं वो बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं, और मैं सारे ये बातें प्रमाण रूप में आप लोगों के साथ कह रहा हूँ। ये है 9 पॉइंट्स जिसके आधार पर संस्कृत विभाग कालिदास को पढ़ाता है, उनको समझाता है। सबसे पहले कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम जब आप पढ़ते या पढ़ाते हैं तो उसमें मन स्वस्थता, साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात आती है। मैं प्रमाण आपको दे सकता हूं लेकिन अभी केवल इतनी बात बता दूं। हेल्थ, यूज ऑफ टाइम, कि समय का उपयोग कैसे करना, ये कालिदास कह रहा है, ना कि वो ये कह रहा है कि तुम मेरे सिर्फ छंद ही पढ़ते रहना। कम्युनिटी वाइटलिटी, देखिए तो सही कि वन का जीवन और शहर के जीवन के किस तरह से वो संबंधों को दिखाता है और किस तरह का सारा व्यवहार है। एजुकेशन, कल्चर, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, सुशासन जिसे आप कहते हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप देखिए ये 9 पॉइंट्स आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़ाए जाने चाहिए, यही क्वेश्चन पेपर में डाले जाने चाहिए, ताकि बच्चा जिस दिन अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ करके निकले उसको पता हो कि सोशल साइंसेस में क्या कमियां हैं और हम उसके बदले में क्या उपस्थित कर सकते हैं। ये केवल उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों के लिए जानने के लिए कि जब मैं संस्कृत की उपयोगिता और उसकी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं तो उससे क्या अभिप्राय है। मैं आप, ये सारे उदाहरण है, ये सारे अभिज्ञान शाकुंतल से लिए हुए उदाहरण है, मैंने कहीं से कोई अपना ओर से कुछ नहीं जोड़ा। लेकिन एक चीज अंतिम में, अब देखिए एक चीज और दिखाता हूं आपको। आप कालिदास पढ़ाते हैं, कभी आपने कहा कि भाई कालिदास में व्यक्तित्व का स्वरूप क्या है? कालिदास आकार सदृश प्रज्ञा, प्रज्ञा सदृश आगमन, भाई उसकी जिस तरह की आकृति थी उस तरह का उसका ज्ञान था, और जिस तरह का उसका ज्ञान था उस तरह के उसके कार्य आरंभ करने की उद्यमशीलता थी, और जिस तरह की उसके उद्यमशीलता थी उसी तरह के उसके फल मिलते थे। अब इसके आधार पे जब आप उसको देखने लगते हैं तो आप ये देखिए कि ये नीचे का जो क्वेश्चनेयर है, जलपाक अन्येषु दोष दृष्टा, कि आप पूरे का पूरा किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, हम केवल श्लोक पढ़ा देंगे कि देखो इसमें ये रस था और इसका ये अनुवाद दिखाना। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, जो इस तरह के क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, बिल्कुल इररेलेवेंट है और बिल्कुल अनुपयोगी। तो इस तरह से जब आप इसका मूल्यांकन करना सीखते हैं, वो सारा भी फॉर्मूला मैं शेयर कर सकता हूं लेकिन अभी समय नहीं है, लेकिन आप कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ा आदमी अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन कालिदास के काव्यों के आधार पे अपना कर सकता है। आपको उत्तर देने होंगे यस नो के, आप सर्वे कीजिए कालिदास के आधार पे और देखिए कि समाज में व्यक्तित्व का क्या स्तर है। और एक अंतिम बात मैं और कहता हूं, क्योंकि संस्कृत शास्त्र जो है उसमें गुड गवर्नेंस की आजकल बहुत बात चल रही है, और शायद 25 को गुड गवर्नेंस डे भी है अटल बिहारी वाजपेयी का। तो आप ये देखिए कि हमने एक और प्रयोग किया,
उसके ऊपर हालांकि मैडम राजेंद्रा ने बहुत अधिक काम किया है, और हमने एक कोशिश की थी, एक सर्वे किया कि मोदीज लीडरशिप फिनोमिना जो है, क्रिटिक ऑफ मोदीज लीडरशिप फिनोमिना, उसका हमने मूल्यांकन किया संस्कृत शास्त्रों के आधार पे। और मैं फिर कहता हूँ कि मैंने अपनी ओर से उसमें कोई शब्द नहीं लगाया, मैं केवल वही आपको दिखा रहा हूँ कि उसकी एप्लीकेशन एरियाज के। ये देखिए, मैंने किरात आर्जिनियम नाम का एक महाकाव्य पकड़ा, उसमें से ये श्लोक लिए, ये श्लोक का रेफरेंस आगे दे रखा है कि पहले का 17वां श्लोक है। क्या उसमें मैंने प्रश्न रखा कि भी मोदी का हम मूल्यांकन करें? मैं ठीक है उससे सहमत हूं ना हूं, लेकिन मूल्यांकन तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो मैंने पहला प्रश्न रखा, क्या शासन व्यवस्था प्रजा रंजन पर आधारित है? आप उत्तर यस नो कहीं पे भी दे सकते हैं या डोंट नो, कि भाई वो प्रजा को रंजित करता है या नहीं करता, प्रजा को प्रसन्न करता है कि नहीं करता। क्या राष्ट्र के अधिकारी आलसी स्वार्थी तथा असावधानी पूर्वक कार्य करने वाले हैं? आप उत्तर हाँ ना में दीजिए। और इसी तरह से बाकी सारे के सारे हैं कि क्या शासन अपने कर्मचारियों से उचित व्यवहार करता है कि नहीं करता। कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, कहाँ से है? मैंने अपनी ओर से सिर्फ क्या लगाया है, क्या शब्द लगाया है, बाकी सारे का सारा संस्कृत का श्लोक है, मैंने कोई अपनी ओर से नहीं जोड़ा। और सारे के सारे रेफरेंसेस आपको दे रखे हैं, केवल एक ही किताब नहीं। आप ये देखिए उसमें एक सवाल कि क्या किसानों को खेती के लिए उचित साधन उपलब्ध हैं? मैं मोदी का करूंगा आलोचना, जितने मेरे पास उत्तर आएंगे, जिस तरह के उत्तर आएंगे उसके आधार पर मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा, लेकिन हम वो ना करके। और ये इसी तरह रामायण के आधार पर आप देख सकते हैं, पूरे का पूरा क्वेश्चनेयर है 100वें सर्ग में, लेकिन हम वो नहीं क्लास में पढ़ाएंगे, हम केवल रामायण का प्रकृति वर्णन पढ़ा देंगे, किस लिए? अब और देखिए, महाभारत में भीष्म जो है वो सिखा रहे हैं कि भाई गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नहीं नहीं, लेकिन हम तो वो वेस्ट में पढ़ के आए थे, वेस्ट में हमें बता दिया है कि ये गुड गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, वो घोटे मारे हुए शब्द, लेकिन पूछने लग जाओ तो कठिनाई खड़ी हो जाती। लेकिन इस आधार पे आप देखिए, और एक और जो शुकनासु प्रदेश है जिसे हम सभी पढ़ाते हैं, क्यों नहीं हम उसे गुड गवर्नेंस के दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं? तो सबसे पहला सवाल ही वो करता है जब राजकुमार मंत्री से सीखने जाता है, जानने चाहता है, वो क्या कहता है कि राज्य का शासक योग्य विद्वान और अनुभवी है या नहीं है। कितने सीधे सटीक सवाल है, लेकिन हम इसको सामने नहीं लाएंगे। पता नहीं कौन सी संस्कृत किस तरह की पढ़ा रहे हैं, और फिर हम कहें कि भी हम संस्कृत को जीवित रखें और संस्कृत को हम प्रतिष्ठा दिला दें। मैं ऐसी प्रतिष्ठा के बिल्कुल पक्ष में नहीं। तो ये कुछ एक चीजें मैंने आप लोगों के साथ साझी की हैं, केवल चर्चा को आरंभ करने के लिए एक भूमिका के तौर पे। आप सभी विद्वान जो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, अपनी बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, आप क्रिटिकल व्यूज दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, आक्षेप नहीं, कोई हमें कोई वो नहीं है हर्ष, आप हमें दिशा दीजिए। हमने ये सेमिनार अगर ये आयोजित किया है तो इसीलिए किया है कि अगर हम ठीक नहीं सोच पा रहे हैं तो हमें करेक्ट कीजिए, और अगर ठीक सोच रहे हैं तो उसमें आगे के हमारे लिए क्या दिशा है और कैसे हमें सोचना चाहिए, तो आप उस विषय में अपनी बात रख सकते हैं। तो जितने भी प्रतिभागी हैं ऑनलाइन, अगर उनमें से कोई अपनी बात रखना चाहता है तो उसका स्वागत है, नहीं तो मैं डॉक्टर राजेंद्रा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी बात संक्षेप में हमारे साथ रखेंगे। मैडम राजेंद्रा, डॉक्टर राजेंद्रा के बारे में मैं दो एक बातें बताना चाहूंगा कि डॉक्टर राजेंद्रा अध्यक्षा हैं संस्कृत विभाग जीएमएन कॉलेज में, और इन्होंने जितना काम किया है, अप्लाइड काम किया है, उतना इनका सारा कॉलेज मिलके भी उसके बराबर का काम नहीं है। और ये मैं अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा, कोई प्रशंसा करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही है कर्म करने का, और जितने प्रोजेक्ट्स वो लेकर के आए हैं, अभी पीछे ICSR का 10 लाख का प्रोजेक्ट था, उससे पहले जो है वो फार्मास्यूटिकल आयुर्वेद उसके ऊपर वो प्रोजेक्ट लेकर के आई थी, और निरंतर बहुत सारे इस तरह के जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं संस्कृत के, उनके ऊपर वो निरंतर काम कर रहे हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ संक्षेप में अपनी बात रखने के लिए। सभी को सादर नमस्कार। एक आशुतोष जी से पहले ही शिकायत कर दूँ थोड़ी सी,
मुझे सुबह सुबह इन्होंने कहा कि आपको कुछ कहना है, तो मैं अपना सोचती थी कि प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी, लेकिन वो उस समय मेरे पास था नहीं और मैं घर जा नहीं सकती थी क्योंकि बारिश बहुत थी, तो इसलिए मैं सीधे कॉलेज से आ गई। नंबर एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि जो ये चुनौतियाँ हैं, ये हमने शायद 15 वर्ष पूर्व हो गए होंगे इस बात को, मैं वहाँ नीचे बैठ गई थी संस्कृत डिपार्टमेंट में जाके हड़ताल के रूप में कि भाई मुझे तो इसका एप्लीकेशन पढ़ाना है और हमें संस्कृत को क्वेश्चंस पेपर को, ये जो बातें अभी हुई, हमें इस तरह से आप हमें परमिशन दे दीजिए, आप हमें कुछ दीजिए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। और इसी कारण से आज हम मतलब संस्कृत को बचाने के लिए त्राही त्राही जिसको कहते हैं ना, उस अवस्था में हैं। लेकिन वही बात है कि हम उसको बचा के क्या पाएंगे अगर यही इसी तरह से अभिज्ञान शाकुंतलम को, इसी तरह से रामायण को, इसी तरह से हम रघुवंश को पढ़ाएंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है कि हम अगर कुछ भी करते हैं तो हम बच्चों को दिखाएं कि देखो बेटा इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। हमारी छोटी सी पुस्तक है जिसको BSc का बच्चा भी पढ़ता है और BA कंपल्सरी का बच्चा भी पढ़ता है, संस्कृत चैनी का। उसमें एक पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है अनुशासन का, शायद पहला चैप्टर अनुशासन का है और दूसरा चैप्टर वो चरक संहिता से स्वास्थ्य के लिए बताता है। सिर्फ उस चैप्टर से प्रभावित होकर मैंने UGC को एक कोर्स बना के भेजा था, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बेस्ड ऑन आयुर्वेदा। UGC ने मुझे उसके लिए 10 लाख की ग्रांट दे दी। अब उसको करते हुए जो मेरे पास समस्या है वो क्या है कि बच्चा जो मेरे पास है उसको कुछ लेना देना नहीं है आयुर्वेद से। वो कहता है ये मैं तो संस्कृत पढ़ के आया हूँ, मुझे तो आप सीधे सीधे नंबर की बात बता दो, जो इन्होंने बात कही। अब मैं उसको कहती हूँ नहीं भैया ये कर कुछ मिलेगा। वो बच्चे जिनके पास संस्कृत विषय नहीं है उन्होंने उस विषय को पढ़ा, उसमें उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा मेरे पास और वो सब आप कहीं किसी ना किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी पे हैं। लेकिन संस्कृत विषय पढ़ने वाला बच्चा कहता है कि मुझे तो इसको पढ़ना नहीं, क्यों? इस क्यों को मैं आज तक, मैं तो शर्मिंदा भी हूँ और बहुत स्पष्ट तरीके से कहती हूँ, मैं उसको समझा नहीं पाई। शायद मेरे में कोई कमी है या उसके वातावरण में कोई कमी है। हमारे पास विद्यार्थी इतने कम है, कोई शर्म नहीं आती मुझे कहने में, 5, 6, 10 बच्चा संस्कृत लेता है और वो भी मतलब लास्ट में हमारे को सुविधा दी जाती है कि भाई जब सारे एडमिशन खत्म हो गया, चल भैया आप कोई कंपार्टमेंट वाला है तो वो संस्कृत पढ़ गए, कोई ये है तो वो संस्कृत में आ जाए। तो जो हमारी भाषा की जो समृद्धता थी, जो साहित्य था, वो कहाँ गया? इसके लिए मतलब सर ने तो कहा कि हम संस्कृत शिक्षक दोषी हैं, दोषी हैं, पर सर इसके लिए हम इतने दोषी नहीं हैं जितनी व्यवस्था हमें कहीं स्थान ही नहीं देती। व्यवस्था अगर मुझे आज सिलेबस बनाने में रखे तो मैं तो आज ही इतना क्रांतिकारी विचारक हूँ भाई, आज ही सब नहीं, ये तुम्हें पढ़ाना ही है। ये हुआ था और वहाँ पे सब संस्कृतज्ञों ने, मेरे महाविद्यालय में हुआ था, वहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे, मैं नाम तो नहीं लेती, उन्होंने साफ कहा कि आप हमें मंगवाओगे, अब हम पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे इन चीजों को आधुनिकता से? अरे भाई हमें तो पढ़ना होगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारी पीढ़ी क्या सीखेगी? हमारे कुछ भी नहीं सीख पाएगी। इसलिए हमें उन चीजों को करना चाहिए और करना होगा। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ जुटें और हमारी ये आवाज इस तरह से हो कि हमें कुछ स्थान ऐसा हो कि हम पॉलिसी, कोई सिलेबस कुछ ऐसा बना सके जिसमें हमारी कोई से हो, जिसमें हम ये कह सके कि भाई विषय बेशक आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाना चाहते हैं आप पढ़ाएं, लेकिन इसको इससे जोड़ें, इसको इस तरह से किया जाए। अब दूसरी उपयोगिता की बात, जहां तक उपयोगिता की बात है, जब तक हम पाठ्यक्रम में उसको इस हिसाब से रखेंगे कि वो उपयोगी सिद्ध हो, तभी उसको विद्यार्थी समझेगा और तभी उसको समाज समझेगा। यदि हम उसको पाठ्यक्रम में इस तरह से नहीं जोड़ेंगे तो वो नहीं हो सकता। मैं सिर्फ एक ही इसी बात को रखना चाहती हूँ कि हम उसको पाठ्यक्रम में कैसे जोड़ सकते हैं। छोटा छोटा सा मैं बताना चाहती हूँ। जैसे अभी बात हुई थी आर्थिकता की, आर्थिक उसकी, तो आर्थिक सुदृढ़ता के लिए अगर हम कौटिल्य को उस तरीके से पढ़ाएं, और वही सुशासन तंत्र में भी आ जाता है, रामायण है,
वही आपका सुशासन तंत्र में कौटिल्य है। अगर सिरफ हम उसी का भी थोड़ा सा हिस्सा भी थोड़ा सा प्राधिकरण थोड़ा सा अधिकरण कौटिल्य का बनाए तो हम सर सुशासन तंत्र की व्यवस्था और आर्थिक रूप से जो हमारी कमजोरियां हैं देश में राष्ट्र की मतलब मैं बात करना चाहती हूँ वो हमारी सब समाप्त हो सकती हैं। अब जहाँ पे वो ये बात कहता है कि दंड की जो व्यवस्था है वो बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए और वो कहता है कि जो राजा है वो पक्षपाती नहीं होना चाहिए। यदि मैं एक स्टूडेंट को कि वो मेरा सम्मान करता है आजकल की भाषा में कहूँ तो चमची मारता है या कुछ करता है तो मैं उसको तो अच्छा समझूं और जो सही मायने में स्पष्ट कहने वाला है उसको अच्छा ना समझूं तो मेरा दंड व्यवस्था में कोई अधिकार नहीं है, मैं कोई दंड की व्यवस्था नहीं करना का अधिकारी हूँ। तो मुझे राजा जो है वो अगर पक्षपात रहित है तभी वो दंड की व्यवस्था करे अन्यथा नहीं। अगर हम इस छोटे से एक सूत्र को भी अच्छी तरह से करें तो एक आर्थिक दृष्टि से एक सुशासन सुशासन जिसको कहते हैं चलो आर्थिक में छोड़ भी देती हूँ तो एक सुशासन को हम कायम कर सकते हैं। कोई भी हम दंड की व्यवस्था करते हैं क्यों नहीं उसको हम सबको समान दृष्टि से देते, यदि वो उस दंड का अधिकारी है तो वो सबको एक बराबर होना चाहिए। हम कह देते हैं कि सर हम कोर्ट में चले गए कोर्ट एक बराबर देगा लेकिन जो जब हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं ना सर तो वो इतना कठिन है उसको देखना क्योंकि वो जो हमारी न्याय व्यवस्था फिर वही बात आ गई उसके पास इतनी शक्ति ही नहीं है वो अभी अभी उसको सबूत चाहिए वो सबूत जुटाने में अभी बहुत समय है तो वो व्यक्ति तो शायद उसकी मृत्यु भी हो जाती है लेकिन जिस पेंशन के लिए या जिस तनख्वाह के लिए उसका केस आया होता है उसका कोई निर्णय नहीं आता, कई बार ऐसा होता है हम देखते भी हैं। तो इस न्याय व्यवस्था को यदि हम मनुस्मृति को देख लें कौटिल्य को देख लें विष्णु स्मृति को देख लें और चलो ऋग्वेद पे भी आ जाए वापिस वैदिक संस्कृति में भी देखें तो भी ये चीज हो सकती है। और जहां तक ऐसे तो श्रेयस और क्रेयस दो मार्ग है कठोर निषेध के लेकिन चूंकि आध्यात्मिकता की बात कर उस तरफ हमें नहीं जाना आध्यात्मिकता का जो प्रयास है वो व्यक्ति हर व्यक्ति अपना करे हर एक व्यक्ति को पता है कि मृत्यु के बाद मुझे अपना आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करना है। और जो इन्होंने कहानी सुनाई वो भी बहुत अच्छी थी कि हम सिंह का प्रयास नहीं देखते हमें उसका प्रयास देखना चाहिए। हम ये देखते हैं कि ये टीचर जो है ये 20 मिनट पढ़ा गया है चल भैया 45 मिनट की क्लास है रहेगी 20 मिनट भाई मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ मैं संस्कृत का शिक्षक हूँ तो मैं दूसरे को जिसका नाम ही है संस्कार देगा तो मैं दूसरे को क्या संस्कार दूंगा यदि मैं खुद ही दूसरे को देख के 20 मिनट का लिया गया। तो मुझे इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा ये समाज मेरे से अपेक्षा रखता है तो मैं समाज को अगर अपना उत्तरदायित्व दे दूंगी तभी मैं उससे कुछ वापिस की अपेक्षा रख सकती हूँ। पर जो चुनिंदा वो हम समाज को मतलब अपना उत्तरदायित्व समझ के काम करते हैं उन चुनिंदा लोगों की मैं समाज से प्रार्थना है कि उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए उनके लिए कम से कम वो संस्कृत को एक स्थान दिलाने में सहायता करने सहयोग दें। ये एक तो मेरी बात थी। दूसरी बात यह है कि सर जैसे सर ने भी कहा मनस्वस्थता की बात कही थी जो मनोविज्ञान है सर उसको हम पढ़ना दूसरे तरीके से करते कभी हमें हम वही वेस्टर्न पे चले गए हमने कभी ये नहीं देखा कि राम का मनोविज्ञान उत्तर रामचरितम को यदि हम भभूति की पढ़ते हैं तो उसमें रामायण वाला राम नहीं दिखता हमें उसमें वो पत्थर पे सिर पटकता हुआ राम दिखता है जो सीता के वियोग में है और इस तरह से वो विलाप करता है कि आंसू जो है वो हर एक पाठक के खुद ही आगे आरंभ हो जाते हैं। तो वो क्या दिखाना चाहता है एक समानता दिखाना चाहता है हर एक जेंडर में। अगर हम जेंडर सेंसिटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पुस्तकों को पढ़ाएं चलो मैं कहती हूँ कि हमारे पास क्या जवाब आता है हमने कई बार बातचीत की बीसी से भी की डीएचई से भी की वो कहते हैं संस्कृत तो हर कोई जानता नहीं है। अरे मत पढ़ाओ संस्कृत भाषा में नहीं पढ़ाना है तो संस्कृत का एक सूत्र दे दो उस सूत्र की व्याख्या तो करने का अधिकार दूसरे संस्कृत के व्यक्ति को दे दो ताकि वो उसको ढंग से आपको बता सके कि भाई इस संदर्भ में ये बात कही गई और इसको इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए लेकिन हमारे भारतीय मनोविज्ञान में कहीं संस्कृत शब्द का सै भी नहीं है। जितना हम बच्चों को साइकोलॉजी का सिलेबस पढ़ाते हैं आप देख लीजिए कहीं पर भी कोई बात नहीं है। और तो सर पहले पॉलिटिकल साइंस में मैं राजनीति शास्त्र पर भी आ जाती हूँ साथ साथ एक पेपर होता था इंडियन थिंकर्स का
वो सिर्फ और सिर्फ आगरा गर्ल्स कॉलेज ने जिंदा रखा। मैं उनको बहुत प्रशंसा करती हूँ इस बात की। और सब जगह ये पेपर ही खत्म कर दिया एमए से, वो सब वेस्टर्न थिंकर पढ़ते हैं। हमारा जो कोटिंगिया था वो खत्म हो गया सर। हम जब पढ़ते थे बीए में इंग्लिश में, तो राजगोपालाचारी की रामायण हमें पढ़ाई जाती थी। अरे इंडियन राइटर तो है, कम से कम चलो इंग्लिश का सही। अब हमारे सब भारतीयता खत्म है, कहीं ना कहीं हमें उस चीज को वापस लाना होगा। शायद एमए में रखा है उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ, कोई एक किताब रखी है इंग्लिश में एमए में, शायद राजगोपालाचारी का रामायण ही रखा है या महाभारत कुछ रखा है। वो पूछते हैं लोग हमारे से कि इसको कैसे किया जाए, ये क्या, लेकिन वो हमें ये अधिकार नहीं देते कि मैडम आप आके बता दो हमारे बच्चों को। नहीं, वो बताएंगे तो हम ही उसको डिस्टॉर्ट करके बताएंगे या कैसे बताएंगे ये हमें नहीं पता। मैं हाथ जोड़ के माफी भी मांगती हूँ, कोई ढंग से पढ़ा भी रहे होते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये चीजें, ये थोड़ा सा जो चीज है इसको हमें देखना है। लेकिन हम अकेले चुनिंदा संस्कृत के शिक्षक और उसमें से भी चुनिंदा जो इस एप्लीकेशन को चाहते हैं वो ये काम नहीं कर सकते, ये हम असमर्थ हैं। हमें सामर्थ्य की आवश्यकता है। वो सामर्थ्य जो है सर वो कई बार आपसी सहयोग और जिसको आजकल सरकार में नंबर नंबर से भी मिलता है, संख्या से भी मिलता है। नंबर नंबर वो मार्क्स वाली बात नहीं, हमारी संख्या भी थोड़ी ज्यादा हो। बेशक वो संस्कृत ना पढ़ता हो लेकिन संस्कृत से प्यार तो करता हो, उसको पता तो हो कि संस्कृत हमें क्या दे सकती है। अब हमारे सामने प्रश्न रख देते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो मैडम इसमें आजीविका क्या है? मैं बताती हूँ सर, इसमें सब आजीविकाएं हैं अगर अगर इसको एप्लीकेशन के तरीके से हम देखेंगे, अगर हम इसको व्यवहार में उपयोगी बनाएंगे तो सबसे ज्यादा आजीविका संस्कृत में है। आप इसको कंप्यूटर के साथ जोड़ लीजिए। हमारे पास, मेरे पास 3-4 ऐसे उदाहरण हैं जो आज अमेजॉन में है लेकिन संस्कृत के पीएचडी हैं। संस्कृत का पीएचडी है और श्राद्धोग वाले अपना वो गूगल में है। तो कितने ऐसे लोग हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने तकनीक की दृष्टि से संस्कृत को पढ़ा। वो पाणिनि को कंप्यूटर का प्रणेता कह गए और उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो पाणिनि के सूत्र हैं, जो अष्टाध्यायी है, वो वही उसी को लेके हम ये तय कर सकते हैं कि संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर। और आर्टिफिशियल लैंग्वेज में जो शब्द बोध की जो बात है, जो मीमांसा की बात आती है, जो वो भी बहुत, हालांकि वो टफ है थोड़ा, हमारे बच्चे क्या शायद हम भी उसको समझने में बहुत कठिनाई होती है हमें, क्योंकि वो दर्शन की दृष्टि से है तो उसको एप्लीकेशन में लाना मुश्किल है, पर पाणिनि की दृष्टि से हम उसको व्यवहार में लाएं। और हर कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चे को पाणिनि के कम से कम वो 14 सूत्र एटलीस्ट, और उसको संधि थोड़ा सा ये अनिवार्य होना अति आवश्यक है। अनिवार्य तो हो लेकिन उसका भी अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर को जिंदा रखेंगे तो हम अगर संस्कृत को उसके साथ चलाएंगे तो संस्कृत जो है वो शायद संस्कृत के लिए भी बहुत अच्छा होगा और कंप्यूटर के लिए, वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। एक दो संस्थान ऐसा, भाषा प्रौद्योगिक विज्ञान संस्थान भारत सरकार का है, वो बहुत अच्छे से, सीडैक है, वो बहुत अच्छे से ये काम करते हैं। ट्रिपल IIT हैदराबाद है, वो हमारे संस्कृत के विद्वानों को बुलाते हैं। मुझे भी बुलाया था एक बार कि आप ये नौकरी छोड़ दीजिए, आप हमारे प्रोजेक्ट में आइए, हम आपको अच्छी तनख्वाह भी देंगे, ये वो सब। लेकिन सर जो संस्कृत हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसको हम क्यों नहीं उस तरीके से पढ़ाने के अधिकारी? मुझे, मतलब मुझे भी इस बात का जवाब चाहिए कि हमें इतना अधिकार या हमें इस तरह से क्यों नहीं होता प्राप्त होता कि हम चलो हम अपने हिसाब से कुछ इसको चेंज कर सकते हैं, तो चेंज तो कर दें। चलो आप सिलेबस यही रखो जैसे अभी आप उसको वैसे ही रखो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा पढ़ाने के दृष्टिकोण हमारा अलग हो जाए ताकि जो क्वेश्चन पेपर आए वो भी हो। और गई जहाँ तक सुशासन तंत्र की बात है, वो भी सही है कि यदि हम उसको उस तरीके से पढ़ा दें पॉलिटिकल साइंस में और पब्लिक एड में, यदि एक चैप्टर भी ये रख दिया जाए, यदि एक चैप्टर भी, बेशक उसमें संस्कृत का एक ही सूत्र रखा हो पॉलिटिकल का, तो भी वो अच्छे से हम संस्कृत को जीवित और मनुष्य को सुसंस्कृत बना सकते हैं और एक समाज में और एक राष्ट्र में अच्छे सुशासन की व्यवस्था कर सकते हैं। ये तो थी हमारे सोशल साइंस की बात। मैम कुछ और लोग भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो मैं वो स्क्रीन पे देख रहा हूँ लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ। जहाँ तक विज्ञान की बात है सर, अगर हम मैथमेटिक्स को देखते हैं, गणित को, तो वैदिक मैथमेटिक्स में को हम पढ़ा सकते हैं,
वैदिक मैथमेटिक्स को ना भी पढ़ाएं तो भी आगे गुप्त की, भास्कराचार्य की लीलावती, उसमें बहुत से ऐसे सूत्र हैं जो जिसको हम बीजगणित कहते हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री में हम डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, वो बेसिक है सर, लेकिन हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि हम उसके पढ़ने से मॉडल हमारा ये हो सकता है। तो ये हम व्यवहार में चीजें हमारे पास हैं लेकिन हम इनको ला नहीं पा रहे। ऐसी रसायन विज्ञान है, भौतिकी का क्वांटम फिजिक्स जो है वो हमारा सारा कणाद के ऊपर आधारित है, न्याय के ऊपर है ये, लेकिन उसको हमें थोड़ा सा ये एक अवसर यदि मिल जाता है या किसी तरीके से भी हम इसको एप्लीकेशन हम कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, फिर भी हम कोशिश भी में भी हैं और करेंगे भी। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी आपने बातें हमें बता दी हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर अविनाश जी जुड़े हुए हैं बिहार से, रांची यूनिवर्सिटी से, तो मेरा उनसे आग्रह है कि अपनी बात वो हमारे साथ साझी करें। समवेत नमस्कार, और एक लंबे कालखंड के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले कि मैं कोई बात कहूँ, मैं आशुतोष अंगिर को उनके उनके सर एक सेकंड मैं ये माइक कोशिश करता हूँ पास करने की, नहीं तो जो हमारे ऑफलाइन साथी बैठे हैं वो आपकी आवाज नहीं सुन पाएंगे, तो या तो आप लोग हैं, हाँ अपना अपने अपने माइक से अपने अपने मोबाइल से अगर आप जुड़ जाएं तो ये बाकी सब जितने ऑनलाइन वक्ता हैं उनकी आप बात सुन पाएंगे जो लिंक दिया हुआ है। हाँ साइलेंट क्या, बस आप माइक ऑफ कर लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है मैडम, वो एक मिनट देखना जोड़ना। ये क्या मैं अपना डेफिनेटली आप आके कह सकते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को इकट्ठे करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जी जी तो अविनाश जी कहिए आप अपनी बात जी। सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसाद आकस्य ध्रुजटे जाह्नवी प्रेण लेखे वनि मूर्धनिशिष निहिकला श्रुतो हितोपदेशो यं पाटवं संस्कृतोक्तिषु वाचां सर्वत्र वैचित्र्यं नीति विद्या ददाति। अभी मैंने अंगे आशुतोष जी को मैंने सुना और राजेंद्र जी को भी मैंने सुना। सबसे पहली बात तो ये मैं देख रहा हूँ कि हमारे संस्कृत के ऊपर जो ग्रहण लगा है इसका कारण क्या है, और यह कारण अगर हम दूर तक जाते हैं और उसका निवारण कैसे हो सकता है। ये कारण अगर हम दूर तक अपने दृष्टि ले जाते हैं तो मुगल काल में पहुंचते हैं, जब हमारे ऊपर आक्रमण होता है, हमारे मंदिर टूट जाते हैं और हमारी सारी सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए लोग को यह लगने लगता है कि उनकी सभ्यता और संस्कृति हमारे सभ्यता और संस्कृति से श्रेष्ठ है, तभी तो वो विजेता हुए और मैं विजित हुआ। और ये विजित का जो मानसिकता है, इस मानसिकता ने हमारे संस्कृत और हमारी संस्कृति को जो आघात दिया है वो अभी तक हम उससे उबरने में असमर्थ हो पा रहा है, क्योंकि उस काल की स्थिति ये थी कि वो विजेता थे तो हम उनकी सभ्यता और संस्कृति, उनकी भाषा तक को श्रेष्ठ अपने सभ्यता और संस्कृति से मानने लगे। और यही कारण है कि संस्कृत का धीरे धीरे हम उससे दूर होते चले जा रहे थे। और जब अंग्रेजों का काल आया तो उन्होंने दो कार्य किए। पहला कार्य तो उन्होंने यह किया कि बड़े सुनियोजित ढंग से हमारी पुरानी सांस्कृतिक सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा की जो नीति थी उन सबों को हटाकर मैकाले की ज्ञान पद्धति को आरंभ किया, और जिसके कारण हम व्हाइट कॉलर्स लोग पैदा होते चले गए और हम अपनी संस्कृति से और अपने संस्कृत से दूर होते चले। आवश्यकता है उनकी ओर पुनः लौटने की, और बड़े ही अच्छे ढंग से इन्होंने विश्लेषित किया है कि हमें इनसे वर्तमान शासन व्यवस्था को चलाने में क्या सहायता मिलेगी, हमें इससे समाज में एक सामाजिक व्यवस्था को उपस्थापित करने में क्या सहायता मिलेगी, हमें संस्कृत की दृष्टि से समाज को सुसंगत और सौम्य बनाने की क्या सहायता होगी। ये एक आमूल माने मूल प्रश्न है जिसकी ओर ध्यान उन्होंने आकृष्ट करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा, जबकि उन्होंने सारी बातें स्पष्ट रूप से कह दी हैं। हर साहित्य में, चाहे वो संस्कृत साहित्य हो,
या कोई और भी साहित्य हो, उसमें ये सारी चीज़ों की चर्चा है। और जब हम सिलेबस बनावें, जैसे अभी हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, उसी प्रकार अगर हम उनका नीति शास्त्र, उनका समाज शास्त्र और अन्य प्रकार के शास्त्रों को अगर हम ध्यानांकित करें, तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक इन सारी चीज़ों से हम उबरने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं व्यक्तिगत रूप से आजकल झेल रहा हूं, हमारा एक वर्ग है जो नियमित रूप से वेदों को वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था के रूप में देख रहा है, स्त्रियों के असम्मान की बातें की को देख रहा है। आवश्यकता है कि उन्हें वर्ण और जाति के भेद को, अंतर को बताना, क्योंकि जब तक वो वर्ण और जाति के भेद को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमारे ऊपर, हमारे संस्कृति के उन ग्रंथों के ऊपर यह दोष लगता रहेगा कि ये लोग जो है जाति व्यवस्था के उपस्थापक थे, इन्होंने नारियों का अपमान किया है, जबकि हमारे धर्मशास्त्रों में नारियों के विषय में स्पष्ट कहा गया है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन वो कोर्ट क्या करेंगे, स्त्री स्वतंत्र ना मरहति, बाल्यकाल में पिता उसको संरक्षण देते हैं, युवा काल में पति देता है और बुढ़ापे में पुत्र देता है। ये सारी बातें करते हैं, लेकिन देखने का प्रयास करते कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में यह भी उसी ग्रंथ में कहा हुआ है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आवश्यकता है उन समस्त सुमनों को निकाल कर एक बार मानस पटल की ओर सबों को डालने की कि भाई हमारे ग्रंथ, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कृत के जो आयाम हैं, उसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं है जो हमारे धर्म, दर्शन, सभ्यता और संस्कृति को लांछित कर सकते हों। और आवश्यकता है उनके पुनर्पाठ की और उनके पुनर्अध्यापन की, जिससे कि हमारे अंदर जो विचारधारा अभी प्रवाहित हो रही है मुगल इतिहासकारों के कारण, कम्युनिस्ट इतिहासकारों के कारण और तथा कथित सेकुलर इतिहासकारों के कारण, उनका मैं विखंडन कर सकूं। और जब तक यह कार्य सुनियोजित ढंग से हम नहीं करते हैं, तब तक हम अपनी संस्कृति और संस्कृत का विकास नहीं कर सकते। और तीसरा है कि हमें इससे रोजगार कैसे मिलेगा, क्योंकि हर चीज प्रारंभ में भी हम लोग पढ़ते थे, पढ़ो बेटा हंडिका जिससे चढ़े, मैंने पढ़ो बेटा चंडिका जिससे चढ़े हंडिका। यह जो है व्यवहारिक जीवन में हमें किस प्रकार अर्थ संपन्न कर सकता है, इसकी अपेक्षा है, क्योंकि बिना अर्थ के हमारा सामान्य व्यवहार भी असंतुलित हो जाता है। और उन्होंने, राजेंद्र कुमारी जी ने बड़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि कंप्यूटर लैंग्वेज अगर कोई एक भाषा बन सकती है तो वो संस्कृत बन सकती है। और जब संस्कृत कंप्यूटर लैंग्वेज का स्थान ग्रहण कर सकती है, तो ऐसी अवस्था में आवश्यकता है हमें अपने संस्कृत के पाठ्यक्रमों को इस प्रकार नियोजित करने की, इस प्रकार विकसित करने की कि हम आर्थिक दृष्टि, हमारे विद्यार्थी को योजना में कहीं ना कहीं नियोजन भी प्राप्त हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति जो विपन्न हो, ये सारी चीज़ें हो सके। और इसीलिए मैं हितोपदेश प्रदेश की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि विष्णु शर्मा जो हैं, राजा के कहने पर, क्योंकि राजा बोलता है कि कोर्स पुत्र ने जाए थे यौन विद्वान धार्मिक, तो राजा के कहने पर उन्होंने संस्कृत भाषा में जितने कहानियाँ सुनाई हैं, वो इतने बोधपरक और नीतिपरक हैं कि उनके जो है अनुशासनहीन पुत्र सुसंकृत हो जाते हैं और सभ्य हो जाते हैं। आवश्यकता है कि हमें अपने पाठ्यक्रम को उसी प्रकार अन्वेषित करने का, ढालने का, और शिक्षकों को उसी प्रकार प्रशिक्षित करने का कि वो संस्कृत की उपयोगिता को प्रतिष्ठित करने में समर्थ हो सके। जी धन्यवाद सर। वाकई पंचतंत्र के ऊपर अभी हम एक वेबिनार करने जा रहे हैं निकट भविष्य में, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, और उसको हम राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कर रहे हैं सितंबर में। तो निश्चित रूप से स्कोप बहुत सारी बातों के हैं, लेकिन वही है कि हमारी अपनी क्षमताएं बड़ी सीमित हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ
मनमोहन मैनी जी, वो कंप्यूटर और संस्कृत के बारे में बात करेंगे। और अभी पीछे एक 15 दिन की वर्कशॉप भी संस्कृत और कंप्यूटर के ऊपर लगी थी, जिसमें पाइथन और जावा में किस तरह से हम संस्कृत प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सर हाँ, स्क्रीन शेयर कर दें, आप करें अपनी बात। मैं रोटेरियन मनमोहन मैनी, जैसे कि रोटेरियन कहा तो बिलोंग्स टू रोटरी क्लब, ऑल द मेंबर्स ऑफ रोटरी क्लब्स दे आर कॉल्ड रोटेरियन एंड वी आर 1.2 मिलियन अराउंड द वर्ल्ड, मोर देन 190 कंट्रीज। And in Rotary, anybody exists because of his vocation classification. So my classification is a computer engineer. So being a computer engineer, I would like to just say what Madam has said, he has rightly initiated. Computer and Sanskrit, ये 1985 में NASA ने जो उसके साइंटिस्ट थे रिक बेक्स, उन्होंने अपना रिसर्च सबमिट किया कि संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर। बहुत सारे डिबेट भी हुए हैं, बहुत सारे इसके पक्ष में भी हैं, और अभी भी इस बात पर रिसर्च हो रही है। हालांकि मेजोरिटी ने एग्री कर लिया, क्रिटिक्स ने इसको, कि यस इट इज द बेस्ट लैंग्वेज, लेकिन इसको वापस कन्वर्ट कर पाना, उसके पूरे संस्कृत के स्वरूप को कंप्यूटर में लेके जाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा संस्कृत को क्यों चुना गया। संस्कृत में हमारे बहुत सी खासियत हैं। सबसे पहला तो उसका सिंटेक्स। कंप्यूटर में हमें कुछ भी प्रोग्रामिंग के लिए सिंटेक्स चाहिए होता है, तो जो संस्कृत का सिंटेक्स है वो बहुत ही बढ़िया है। एंड इट इज इन ऑर्डर्ड। संस्कृत में अनुवाद, अगर आप हिंदी का अनुवाद संस्कृत में करें और उन शब्दों को कहीं पर कहीं भी लिख दें, पहले दूसरे छह शब्द हैं, छह को एक पर, एक को दो पर, दो को तीन पर लिख दें, तब भी उसका वही मतलब निकलता है जो सीधा लिखने से निकलता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कंप्यूटर को चाहिए थी कि मैं ऐसी लैंग्वेज यूज करूं जिसको कोई गलती से कहीं पर भी लिख दे तब भी उसकी कोडिंग सही हो जाए। तो सबसे पहला क्रेडिट तो गया संस्कृत को सिंटेक्स के कारण। सेकेंडली, ये रूल बाउंड है। आपने इसमें सारे रूल्स बनाए हुए हैं, जैसे गर्दान हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारी आगे हैं चीजों को। तो संस्कृत जो है सेकेंडली, इसके बाद ये फार्मूला बाउंड है। इसमें एक फार्मूला बनाया हुआ है संस्कृत में हमने, जो कि कंप्यूटर को चाहिए। कंप्यूटर लॉजिक मांगता है, तो फार्मूला ही आगे चल के लॉजिक बन जाता है। तो संस्कृत में हमारे पास सिंटेक्स है, ऑर्डर्ड लैंग्वेज है, फॉर्मूला बाउंड है, लॉजिकल है, जो कि हमें अल्गोरिथम लिखने में हेल्प करता है। हमारे बहुत से साथी हैं जो कंप्यूटर के बारे में जानते तो जरूर हैं। अब आज की डेट में हम कंप्यूटर को, इसको मोबाइल को ऑन करके बोलते हैं कि मोहम्मद रफी का गाना चलाइए और गाना चलना शुरू हो जाता है। ये संस्कृत ने ही पॉसिबल किया है। जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, यस अलेक्सा जो है वो इसी से ही है। हालांकि चीजों के दोनों पक्ष हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हैं। अलेक्सा एक जासूस की तरह भी काम करता है। अगर आपने अलेक्सा को ऑन कर रखा है और आप उसको कमांड देते हो कि ये लाइट जला दो, ये पंखा कम कर दो, ये टीवी चला दो, तो वो जिस समय आप ऑफलाइन हो, आप उससे बात नहीं कर रहे, तब भी वो आपकी सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है। आप घर में क्या बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड कर रहा है, आप किसी से क्या बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी कोई भी एक्टिविटी जो है अगर वो अलेक्सा ऑन है तो वो रिकॉर्ड कर रही है। रिकॉर्ड करके वो आज की डेट में डेटा बिकता है। आपने कभी को देखा ये, अगर कभी हमने कंप्यूटर पर, मैं थोड़ा विषय से हट रहा हूं, कंप्यूटर पर आपने कुछ सर्च किया, अम्बाला दिल्ली टू बॉम्बे का फेयर,
तो आने वाले 4 दिन तक आपको दिल्ली टू बॉम्बे कुछ भी साइड खोलते हैं फेयर आ रहा है, कुछ भी साइड खोलते हैं फेयर आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपका नंबर भी वो उठा लें और आपको मैसेज भेज दें कि फेयर डाउन हो गए हैं, टिकट बुक करनी है। दे आर सो स्मार्ट, आपके एक जरा से एक्शन से ही वो सब चीजें पिक कर लेते हैं। तो जो NLP था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अब जनेवा में जब कॉन्फ्रेंस होती है, जब ये US में भी होते हैं, उस पर अगर 192 सीट्स लगी हैं और 192 कंट्रीज के लोग बैठे हैं, तो उनके जो हेडफोन है उसमें उनकी कंट्री की लैंग्वेज सुनाई देती है, वहां से कोई किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहा हो। और ये पॉसिबल हुआ संस्कृत से, बिकॉज संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। पाणिनि ने जो सूत्र दिए उनको आगे बढ़ा करके कहा, ये ठीक है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, कई बार हमारी चीजों को या हमारे को जो डेवलप्ड कंट्री हैं अगर वो उतनी वेटेज उसको दे दें तो उनको वो अच्छा नहीं लगता, उनकी ईगो होती है कि हम ये कैसे कह दें कि संस्कृत ने ही सब कुछ बनाया है। जितनी हमारी गणना है, आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्ट की इन्वेंशंस हैं जो और है वो सब संस्कृत में हुई हुई है। संस्कृत नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं कि अगर हमें संस्कृत आती होगी तो हम वेद पुराण पढ़ सकते हैं, हम सिर्फ यहीं से पढ़ते हैं, सोचते हैं, ये करते हैं। लेकिन क्या हुआ, हम लोग खुद जिम्मेवार हैं कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा आगे। हमारे विद्वानों ने, हमारे पंडितों ने या हमारे और लोगों ने उसको जनरल पब्लिक तक नहीं पहुंचने दिया, इसीलिए वो इतना यूज तो नहीं हुआ। और हालांकि उसी से देवनागरी निकली है और हम उसको बड़े अच्छे से यूज करते हैं, यूजर फ्रेंडली है, उसको उन्होंने बढ़ने दिया। एक्चुअली जर्मनी में जो रिसर्च है कंप्यूटर के प्रति और वेदों के प्रति वो सब संस्कृत में हुई है, हमारी सारी ओरिजिनलिटी जो लिटरेचर है वो जर्मनी में पाया जाता है। सेकेंडली जो कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको यूज करने के लिए जो चीजें एक कोडिंग के लिए रिक्वायर्ड थी, संस्कृत में कोडिंग का मतलब होता है शब्दकोश। संस्कृत में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको इंग्लिश में ही लिखा जाता है, जिसको पंजाबी में ही लिखा जाता है, जिसको उर्दू में लिखा जाता है, जबकि बाकी सारी ऐसी लैंग्वेजेज हैं जिनमें से उसकी इंग्लिश नहीं बनी तो पक्का कि इंग्लिश को पक्का ही लिखा गया। संस्कृत के वर्ड यूज किए गए हैं बाकी सभी लैंग्वेज में, लेकिन संस्कृत में किसी लैंग्वेजेस का कोई वर्ड नहीं है। ये भी एक कंप्यूटर में यूज करने के लिए बहुत अच्छी बात थी, बिकॉज जो ये लैंग्वेज है, जो सिंटेक्स है, वो यूनिक है। आज भी जब हम बहुत से लोगों का डाटा कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो एक कोई चीज कॉमन रखते हैं ताकि आपको सर्च किया जा सके, और वो नॉर्मली रहती है जैसे डेट ऑफ बर्थ, नाम, फिंगरप्रिंट से हमें मैच नहीं करते, तो क्योंकि उस यूनिक की के थ्रू आपको सर्च किया जाता है। तो जो संस्कृत के सिंटेक्स थे वो यूनिक थे। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, बस मैं अपनी बात खत्म करूंगा, एम्बिग्यूटी नहीं है इसके बीच में। बाकी लैंग्वेजेस में अब आप BUT, बट, PUT, पुट, हाउ यू विल मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंड या लैंग्वेज अंडरस्टैंड कि यहां पर बट बोलना है, यहां पर पुट बोलना है, यहां पर वॉवल्स हैं, यहां पर यह कुछ रूल्स थे दूसरी लैंग्वेजेस में, लेकिन संस्कृत में ऐसा कोई शब्द नहीं है। संस्कृत ने उसको मिनिमाइज करके उसको एम्बिग्यूटी बिल्कुल रिड्यूस कर दी। क्यों? क्योंकि वो तो मशीन है, आपने मशीन को सिखाना था मशीन, तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मैडम बात कर रहे थे, मशीन लैंग्वेजेस के लिए, कोडिंग के लिए, चाहे वो पाइथन है, चाहे वो जावा है, चाहे वो सी है, चाहे वो C++ है, सब में कोडिंग के लिए जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो संस्कृत ने पूरी की। और इसलिए और आज के हमारे जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर में कोडिंग भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये संस्कृत ने पॉसिबल किया। थैंक यू, धन्यवाद। आपकी इस बात से हमारा उत्साह वर्धन भी हुआ, और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग ऑलरेडी मैडम भी काम कर रही हैं इस विषय पे, और बहुत जल्दी हम पाइथन पे एक वर्कशॉप लगाने जा रहे हैं कि, और उसमें प्योरली संस्कृत बेस्ड प्रोग्रामिंग है कि वो उसमें आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से उस, हाँ हमें मालूम नहीं था, लेकिन चलिए आज ही एक नई बात पता लगी।
क्योंकि समय की ओर हम थोड़ा सा समय सीमा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो यदि आप में से ऑनलाइन जितने भी लोग जुड़े हैं अगर कोई टिप्पणी करना चाहता है, कोई अपने कमेंट्स, तो मोस्ट वेलकम। नहीं तो मैं चाहूंगा कि ढिल्लो साहब से एक टिप्पणी तो जरूर चाहूंगा, क्योंकि वो इन सब बातों के क्रिटिकल थिंकर भी हैं, और ये बात बड़ी आवश्यक है कि जो सही सोच वाले व्यक्ति हैं उनकी टिप्पणी जरूर हो। और उसके बाद सीके झा जी, बहुत संक्षेप में, और फिर हम जो है कार्यक्रम को समाप्ति की ओर अग्रसर करेंगे। रोटी के जो प्रोग्राम, मैडम विशेष धर्माली प्रोजेक्ट इंचार्ज, मैडम जी प्रिंसिपल साहब, राजेंद्रा मैडम आर्या कॉलेज के मैडम, विद्वान साथी, हाँ जी चिंता ना करो आने दो मुझे। मैं थोड़े सामने कोई एज प्रोफेसर नहीं खड़ा, एक क्रिटेरियन के तौर पर खड़ा, क्योंकि मैंने हुक्म मैडम का होया सी और मैं आ गया। वैसे तो मैसेज अक्सर आशुतोष के आते रहते हैं, और आशुतोष जी मैं तुम्हें प्रणाम करदा, कमाल है, आप आशीर्वाद दें, कमाल है, जो उनका सिर चिट्टा होया होर वधिया ज्ञान आ गया, कमाल हो गई है। बाकी एक गल मैं महसूस कर रहा सी बेटा, कि हियर वी आर ऑल नॉन अकैडमिक, तो गल्लां सारियां अकैडमिक दी हो रही, जदों कि जिहड़ा तुहाडा विशा मैं देखिया है वो तो है कि की सदी चली, प्रयोगात्मकता की है, इसकी इंप्लीमेंट कैसे किस तरह हो सकती, क्या हो सकती है। एक गल जिहड़ी तुसीं कही ना वैदिक संस्कृति, देखो मैनी साहब ने कहा कि सारिया जबाना संस्कृत तो निकलिया, मान लें संस्कृत कितों निकली, वो कितों निकली, सवाल है वो जी आशुतोष ने गल की वैदिक संस्कृत तो अगे क्लासिफिकेशन हो गई, पाणिनी ने उन्होंने ग्रैमराइज कर दिता, लोक भाषा चुप के क्लासीकल भाषा जी बन गई, तो लोगों ना भाषा फिर टुट गई, इस करके टुट गई ना भाई। शुद्ध बोलोगे तो संस्कृत बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे। और तुम्हें पता है कि जो कुछ हिंदुस्तान च होया कि भाई संस्कृत नहीं बोलनी, बी संस्कृत नहीं पढ़नी, बी संस्कृत नहीं, क्यों इन्हू जोड़ दिता गया एक विशेष धर्म के नाल जोड़ दिता गया, क्यों धार्मिक ग्रंथ वो आ गए, धार्मिक ग्रंथ होने ना की होया ये सीमित हो गई कुछ ब्राह्मण विद्वाना तक या घोटा लाने वाले तक कि भी शादी के श्लोक ने कुछ ये याद कर लो बस अपनी रोटी पानी चल गया वधिया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, और अनुष्ठान नाल जुड़ गई, कोई अनुष्ठान करना है तो संस्कृत का श्लोक जोड़ा वो आएगा। ईवन हिंदुस्तान की कोई भी वड्डियां कंपनियां जां फौज दे विच भी तुसीं देखो उन्हां जिहड़ा मोटो है वो संस्कृत वाला ही मोटो चलता है, संस्कृत ही लिखा होता है। और जिथे तक वैदिक संस्कृत की गल है ना जी, तुहाडे वेद ज्ञान, वेद का मतलब कि ज्ञान ही है, वो सारा लौकिक संस्कृत विच है, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत नूं ही समझ की लोड़ हैगी है। और एक गल मैं बड़ी स्पष्ट तौर पर कह रहा कि अज अगर लौकिक संस्कृत दी धुनिया किसी ने संभालिया ने तो पंजाबी ने संभालिया हुई ने, हिंदी हिंदी ने कोई नहीं तुहाडियां संभालिया हुई याद रखना। देखो कई बच्चे हसते ने इन गलों सुन के क्योंकि पंजाबी वो भाई संस्कृत पैदा कितने हुई सी दसो, मैं किस खेत्र च पैदा हुई, किस भूगोलिक खेत्र च पैदा हुई संस्कृत, पंजाब हरियाणा पुराना सप्त सिंधु का इलाका, और सप्त सिंधु के इलाकों की अज भाषा की है, कि वह भाषा खत्म हो गई थी या वह भाषा लगातार चलती आई है। अज भी पंजाबी के शब्द जोड़े ने तुम देखो क
करण कन कन है हिंदी की कान ये आदि मात्रा कहाँ से आ गई भाई कान श्रवण सुनना सुनना है अक्ष अख है आंख नहीं है अख है अक्ष अख है हस्त हथ है दुग्ध दुध है देखो तुम अज भी अगर जपजी साहब की पहली पौड़ी जो शुरू होती सोचे सोचना हो गई जे सोचे लखवा दैट वर्ड इज शौच शौच संस्कृत तो आया शब्द तो है सोचे सोचना हो गई साढ़े सिखा ने बनाया सोचा सोचना हो गई तो सोचा कोई फायदा नहीं समझ ही नहीं आई यानी मैं ये गल बड़ी स्पष्ट कह रहा कि बाणी नू समझन वास्ते भी संस्कृत की जोड़ है बाणी के कॉन्सैप्ट जिन्हें बाणी के ना संस्कृत चो आ रहे हैं तो जो संस्कृत को नहीं समझोगे तो बाणी भी थोड़ी समझ नहीं आऊगी अंडरसटैंडिंग नहीं होगी सो मैं तो एक बार केरला गया उत्थे मैं भाषण देना पै गया उन्होंने भाषा मैं समझ ना आए वो एक बंदे का मैं एक शब्द पढ़ लिया सहोदरन मैं पढ़ उ पढ़ लिया सहोदरन हूँ सहोदरन पंजाबी चलता सके सोदरे तेरे सके सोदरे आए हुए हैं उधर उधर पेट एक पेट तो जाए हुए सके भरा जड़े ने सके सोदरे हो गए उतों ही मैं वो शब्द फट के सारा भाषण देता बल्ले बल्ले हो गई यानी संस्कृत दे उस शब्द ने मैनू वो भाषण देने दे समर्थ बना दिता सो संस्कृत सूत्र भाषा है जिमें मैनी साहब ने कहा है संस्कृत नू लोकां नाल जोड़न की कोशिश करो संस्कृत नू किताबां तक सीमित ना रखो तुहाडे हो प्रिंसिपल साहब तुहाडे संस्कृत कॉलेज चो की ना उहनां दा नहीं बत्रा जी हुण बत्रा जी दे घर संस्कृत बोलदे है ना वो मैं एक बार गया तो वह अपनी वाइफ ने संस्कृत कह रहे भी दुध लैके आ दुग्धम मैं कहा ना मैं दुध नहीं पीना भाई आपको समझ आती है मैं कहा हाँ बी ए तक संस्कृत में पढ़ी हुई है ये माड़ी मोटी समझ आ जाती है औखी नहीं है ये भी दस्या करो लोगों आशुतोष जी कि संस्कृत औखी नहीं है साढ़े इतने डी पी रशपाल सिंह संस्कृत का नाटक चल रहा यूथ फेस्टिवल से क्या यार समझ नहीं आ रही की है वो मैं क्या मैं कर अम अम लाई जा पंजाबी रह जू कहता यार समझ आनी शुरू हो गई आ गई ना मैं संस्कृत कहता हाँ आ गई फिर कहता आ की इन्हें की किया ये की मैं कहने क्या कुंचका लभदा लभदा कुंचका लभदा मेरा तो शायद वो अज्ञान कुंची है शायद ये कुंचका लभदा कहते ये की है मैं क्या लभदा लभदा की लभन डेया कुंचका कुंजी है चाबी नहीं है संस्कृत चो कुंजी आ रही है कोष्ट कोठा आ रहा संस्कृत चो ट्राई टू अंडरस्टैंड और जेडे तुसीं इन्हें प्रोजेक्ट लेंदे हो मैडम एक प्रोजेक्ट यह भी लो कि पंजाबी और संस्कृत का की संबंध है ग्रंथ काफी लिखे गए ने ग्रंथ साहब तो भाई सानू इस गल का एक गल जी आशुतोष ने कही है कि कन्याकुमारी तो लैके कश्मीर तक हिमाचल तक हिमालय तक लेकिन लोड़ है ता ही है बाकी जड़िया गलत करते हो ना देखो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हुण राजा वाला सिस्टम नहीं है कि वजीर ने यह किया जा फलाने ने यह किया टिंकरे ने यह किया ता सजा मिल सकती ता हुण तां कॉन्स्टिट्यूशन है डेमोक्रेटिक सिस्टम दे विच संस्कृत नूं तुसीं की किस तरह उपर चुक सकते हो सवाल यह हैगा वो पुरानियां गल्लां नूं थोड़ा जिहा मॉडिफाई करन दी कोशिश करो कॉन्स्टिट्यूशन की कह रहा तुहाडा संविधान की कह रहा तुहाडा उहदे संविधान अनुसार कि सजा मिल सकती है वो पुरानियां गल्लां नूं हुण वह राजा था राजा गए हुण राजा रूजा कोई नहीं है वह जबरदस्ती अपने आप राजा कही जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्गे राजे रूजे कोई नहीं हुण रह गए ते हुण तां मोदी वर्गे प्राइम मिनिस्टर ने जिहड़े चाह वेच रहे तो सिस्टम सारा चेंज हो चुका है तो भाई वधिया गल है संस्कृत दी गल्लां होईयां ने मैं ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਓ
लेकिन आम आदमी ना संस्कृत नूं जोड़न दी कोशिश करो ते आम आदमी नूं इह गल समझाओ कि भाई संस्कृत कोई जगानी भाषा नहीं, संस्कृत साडी भारतीय भाषा है, संस्कृत साडी सुपर भाषा है, संस्कृत जिहड़ी है बहुत वधिया। अज भी अगर देखो नवीं शब्दावली कित्थों आउणी है, कित्थों आउणी नवीं शब्दावली, अखबारां वाले नवीं शब्दावली पैदा करदे आ, ਯਾਦਿਕ ਲੇਖਕ ਕਵੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਧਾਤੂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਧਾਤੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਅਸਲੀ ਬੇਸ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਸਭ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੈਡਮ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ? ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦ ਨੀ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦ ਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਵਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਵਲੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਵਾਨੋ ਕੀ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਆਵਸ਼ਕ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਹਮੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੇ ਸਾਥ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜੇ। बात करते करते बात बहुत फैल जाती है, लेकिन दोबारा उसकी ओर लौट के आना, जड़ों की ओर, वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं आज के अंतिम वक्ता को आमंत्रित कर रहा हूँ, डॉक्टर सी के झा, जो अध्यक्ष हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, MPN कॉलेज मुलाना। तो उनको बहुत संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ और फिर हम इस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर अग्रसर करेंगे। संस्कृतं संस्कृतेरमूलं ज्ञानविज्ञानवारिदे वेदतत्पार्थसंजुष्टं लोकालोककरं शिवम्। इस सभागार में उपस्थित रोटरी क्लब प्रधान बनमाली जी, सचिव वीरेंद्र दुरेजा जी, प्रकल्प प्रमुख चांद चावला जी और हमारे यशस्वी कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने वाले सनातन धर्म कॉलेज संस्कृत विभाग अध्यक्ष श्रद्धेय आशुतोष आंग्रस जी, डॉक्टर राजेंद्रा जी अध्यक्षा संस्कृत विभाग GMN कॉलेज अंबाला कैंट, डॉक्टर विष्णु दत्त शर्मा जी प्राचार्य संस्कृत कॉलेज अंबाला कैंट, आप सभी बुद्धिजीवियों को मेरा प्रणाम। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, दो चार बातें बहन राजेंद्रा जी ने कुछ मुझे बहुत सी बातें अच्छी भी लगी और कुछ बातें कुछ कुछ ऐसी लगी कि समय के अनुकूल उस पर थोड़ी सी मैं टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि ये जो भाषा है, भाषा की उत्पत्ति, सबसे प्राचीन भाषा देव भाषा, सभी भाषाओं की जननी, क्यों कहते हैं संस्कृत को?
वेद विद धातु ज्ञान अर्थ में वेद का प्रयोग हम करते आए हैं, अपरुषेय वेद को कहा जाता है। अपरुषेय कहने का तात्पर्य ही यही है कि ये जो भाषा है ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने शब्द को ब्रह्म कहा गया है इसीलिए कि सर्वप्रथम इस संसार में भाषा की जो उत्पत्ति होती है ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी ने गुरु बृहस्पति को दायित्व दिया कि आप इस भाषा को आगे बढ़ाएं। गुरु बृहस्पति ने आगे उस ज्ञान को, उस परंपरा को इंद्र को समर्पित किया और इंद्र तक आते आते जो भाषा, दैवीय भाषा, ईश्वर की भाषा है वो एक रूप में चली आ रही है और इंद्र ही वो देवता हैं जिन्होंने उस भाषा को अलग अलग टुकड़ों में, लगभग 22 प्रकल्पों में, अलग अलग संदर्भों में बांट दिया। और आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि ऐन्द्र व्याकरण जिसमें 25,000 श्लोक हैं, तो सर्वप्रथम ऐन्द्र व्याकरण की रचना हुई और उसके बाद में भरद्वाज आदि, आयुर्वेद और अन्य जितने भी प्रकार की जो रचनाएं हुई हैं वो उसके बाद में आकर के हुई है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि संसार की इतनी भाषाएं हैं, इस सब की जननी संस्कृत क्यों है? संस्कृत इसलिए है क्योंकि संस्कृत सर्वप्रथम भाषा है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, देववाणी है और इसमें वो सामर्थ्य है जो अन्य किसी भाषा में नहीं है, जिसकी कुछ संक्षिप्त कहीं कहीं से टिप्पणी रक्षा ने किया है कि वो उसकी इस संरचना जो है संस्कृत की, वो जो सुव्यवस्थित संरचना जो जिसको कि ऐन्द्र व्याकरण के बाद में लौकिक साहित्य में जो हम उसको उसका स्वरूप देखते हैं वो भी ईसा पूर्व पाणिनि के द्वारा लिपिबद्ध किया गया श्लोक है, जिसको हम बाद में पाणिनि के बाद से वो और भी बहुत वरदराज आदि लौकिक में भी हुए हैं, इसके बाद अलग अलग बढ़ते गए हैं। लेकिन अब प्राचीन काल से लेकर आज तक जो वैदिक समय में जिस संरचना को हम पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं और आज जो संस्कृत है, दोनों में कोई अंतर नहीं आया है। जबकि भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि हर भाषा 800 से लेकर 1000 वर्षों में जाकर के वो अपना रूप परिवर्तित कर देती है, खत्म कर देती है। तो आप सोचिए हमारे संस्कृत जो सबसे प्राचीन भाषा है, आज तक हम अपने पुराने स्वरूप में कायम हैं, तो जरूर इसकी कोई ना कोई खासियत है, जरूर कोई ना कोई विशेषता है। और वो जो विशेषता है वो प्राचीन समय से वो जो संरचना है वो एक ही तरह की है, जैसा हम लिखते हैं वैसे ही हम बोलते हैं और इस प्रकार से हम उसको शुरू से लेकर आज तक उसी रूप में देखते आए हैं। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि उस समय में जो भाषाएं जन सामान्य में थी, जैसे प्राकृत है, पाली है या अन्य भाषाएं हैं, वो सारे धीरे 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 लुप्त हो गई और ये संस्कृत आज तक बरकरार है। तो एक तो ये बात, दूसरी बात, अब मैं लौकिक टिप्पणी जो प्राचीन समय में, आज हम इसका उत्कर्ष दे है कि अवनति है, इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है आप एक लोकल, एक हरियाणा के ही संदर्भ में एक ले लीजिए, जैसे हमारा ये अंबाला डिस्ट्रिक्ट है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट में हम जितने संस्कृत कॉलेज में बच्चे हैं ये सब, यहाँ पे लगेगा कि संस्कृत बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। लेकिन जरा जाइए जींद,
चले जाइए पानीपत, चले जाइए उधर, 400 बच्चों की अगर एडमिशन होती है वहां 200 बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं। अब वहां तो आप जाइए थोड़ी दूरी पे, लगेगा संस्कृत का बहुत बढ़िया समय चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो एक है कैथल में बहुत है, कैथल में बहुत है। और मैं एम्पियन कॉलेज मुलाना में मैं पढ़ाता हूँ, और संयोग से मैं 15 दिसंबर की अपॉइंटमेंट है मेरी एम्पियन कॉलेज मुलाना में, और सन 2000 में जा करके मैं वहाँ एमए संस्कृत डिपार्टमेंट की स्थापना की। और आपको ताज्जुब होगा कि वो जो एमए संस्कृत है वो तब से लेकर के आज तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सिर्फ मेरे कॉलेज में वो एमए संस्कृत है, और उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन आज तक हमारे पास अभी भी 15 से 20 बच्चे इस समय 15 प्रीवियस में हैं और 11 बच्चे फाइनल एमए संस्कृत कर रहे हैं। तो ये जो अनवरत ये जो ज्ञान राशि है इसमें कहीं किसी प्रकार की हाँ उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और ये सब जो अब रही बात सिलेबस और समाज में, अब ये मानिए कि अंग्रेजी जो बच्चा पढ़ता है किसी स्कूल में, कभी जाकर उससे पूछे हैं कि आपका बहुत मन करता है अंग्रेजी पढ़ने को इसलिए पढ़ते हैं? अंग्रेजी से बच्चे आज भी स्कूल से भागना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी के बिना गति नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो सिलेबस दिया है आपको अंग्रेजी पढ़ना ही। आप बीए में, हम ग्रेजुएशन में जो बच्चे पढ़ते हैं, आप एमए अगर बीए में अगर संस्कृत ना हो बहुत लोग खुश होते हैं, अंग्रेजी ना हो। अंग्रेजी में 80% बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, और वो चाहते हैं कि अंग्रेजी अगर ना हो हमसे निकल जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन चूंकि सरकार की तरफ से ये प्रावधान है, विश्वविद्यालय की तरफ से सिलेबस है कि आपको अंग्रेजी पढ़ना ही पढ़ना है, लोग पढ़ रहे हैं। अगर ये स्थिति संस्कृत के लिए हो जाए कि आपको संस्कृत दसवीं तक आप हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी है, ऐच्छिक ना होकर अनिवार्य कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी संस्कृत को आगे फलने और फूलने के लिए। जी जी। और जो सिलेबस बनाने वाले हैं, निश्चित रूप से एक आध बार मैं भी गया हूं, और वो लोग सोचते हैं कि हम इसको कहां, थोड़ा वो लोग भी अपने आप को सोचते हैं कि हम इसको अगर अलग कर देते हैं तो पता नहीं कैसे क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, वो लोग थोड़े से अपने आप को संकुचित कर लेते हैं और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, ये बात सही है। लेकिन संस्कृत का भविष्य उज्ज्वल है, संस्कृत में वो सारी संभावनाएं हैं जो अन्य किसी भी भाषा में नहीं है। अब माता पिता समाज परिवेश के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, ये अगर कोई भाषा सिखलाती है तो संस्कृत सिखलाती है, क्योंकि संस्कृत में हमारी संस्कृति सन्निहित है। लेकिन समस्या क्या है, आप जैसे ही धर्म की बात कर लें, राम राज्य की परिकल्पना सारे ही करते हैं कि राम जैसा राजा हो और राम जैसी प्रजा हो, राम के समय की प्रजा हो, लेकिन धर्म का आचरण अगर राजनीति में हो जाए तो राजनीति वाले कहते हैं धर्म का राजनीति में प्रवेश नहीं होना चाहिए। समस्या ये है कि आप राजनीति में धर्म को जोड़कर नहीं देखते हैं। जरूरत है कि आप धर्म जो धारक तत्व है उसको आप जोड़ कर देखेंगे, तो निश्चित रूप से जब समाज में राष्ट्र में जो राष्ट्र अधीक्षक है वो अगर धर्म की बात करता है, और धर्म कोई सांप्रदायिक कभी नहीं हो सकता, धर्म धारक तत्व है, जिसका अर्थ होता है कि धारण करना, हम अपने पिता के साथ कैसा आचरण करें, समाज के साथ कैसा आचरण करें, मातृदेवो भव पितृदेवो भव गुरुदेवो भव, ये सारी जो परिकल्पना है उस धर्म से ही तो हम सीखते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि उस धर्म को राजनीति से जोड़ कर देखने की, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। और जहां तक संस्कृत की बात है तो विश्व को बाजार जहां पाश्चात्य लोग कहते हैं, हम अपने परिवार के रूप में विश्व को देखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना अगर है तो संस्कृत में है। तो आप जरूरत यह है कि सर्वांगीण विकास के लिए संस्कृत निष्ठ जो जो चीजें हैं, संस्कृत को संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वो सारी चीजें अगर हम आप संस्कृत का समावेश अगर सिलेबस में भली भांति करते हैं तो वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और आज
उस अटेंशन को यहाँ इस मंच पर मुझे बोलने के लिए मौका मिला, इसलिए आप सभी का बहुत 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 आभार करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर पीके झा जी, और बहुत आशावादी आपने बातें कही हैं, और मैं चाहता हूं कि वो बातें सफल सिद्ध हों, पूरी तरह से अर्थवान हों निकट भविष्य में। और इसी के साथ हमारे ऑनलाइन वक्ताओं में से एक डॉक्टर सुनीता जी आर्या गर्ल्स कॉलेज से, वो अपनी बात संक्षेप में रखना चाहती हैं। मैडम सुनीता, आप अपनी बात अनम्यूट करके अपने को कहना, उसके बाद अनिल सर। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं बोला सर, मेरी आवाज आ रही है? सभी विद्वत जनों को मेरा नमस्कार। मैं अपने वक्तव्य को ऋषि दयानंद की घोषणा के साथ शुरू करना चाहूंगा। महर्षि ने घोषणा की थी दयानंद जी कि हे मनुष्य, मार्ग यदि तुम सुख चाहा था दुख सागर में गोते खाते रहे। प्रत्येक विकट परिस्थिति में वेद ज्ञान सही मार्ग दिखा सकता है। व्यक्तिगत उन्नति के अतिरिक्त पारिवारिक उन्नति का भी वेद में बहुत सुंदर उपदेश दिया गया है। अथर्ववेद में कहा है कि अनुव्रतः पितु पुत्रो माता भवतु सम मनः अयापत्ते मधुमति। पुत्र पिता के अनुकूल आचरण वाला बने, संतान का मन माता के मन के साथ मिला हो, पत्नी पति से, पति पत्नी से मीठी वाणी बोले। अगले मंत्र में कहा है कि भाई बहन आपस में द्वेष ना करें। यहाँ मधुर और कल्याणकारी वाणी का उपदेश दिया गया है, क्योंकि संसार में वाणी के दुरुपयोग से ही सभी विवाद और अपराध हम होते हुए देख रहे हैं। इसलिए संसार के सभी मनुष्यों को मनुर्भव बनने का उपदेश दिया गया है। वेद संस्कृत साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाता है, उसे उदार बनाता है। संगच ध्वम संवद ध्वम सवो मानसी जानताम। हम सब मिलकर साथ साथ चले, साथ साथ बोले, हमारे मन विचार सब एक जैसे हों, हम परस्पर विपरीत ना सोचे, ये सब हमारा संस्कृत साहित्य में विद्यमान है। वर्तमान समय में संस्कृत के महत्व को सभी देश समझ रहे हैं। संस्कृत के मनन और चिंतन से व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है। संस्कृत में गहराई है, तत्व दर्शन है। संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की साधन मात्र नहीं है, अपितु मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी भी है। इस भाषा में विपुल ज्ञान भंडार है, जिसे देश की प्रगति और मानवता के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, यदि कोई मुझसे पूछता है कि भारत के पास बहुमूल्य खजाना क्या है, सबसे बड़ी द्रोहर क्या है, वह खजाना संस्कृत भाषा और उसमें निहित समस्त वांग्मय। यह महत्वपूर्ण विरासत है। जब तक संस्कृत भाषा सक्रिय रहेगी, हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करेगी, तब तक भारत की आधारभूत बुद्धिमता बनी रहेगी। आज की युवा पीढ़ी को संस्कृत भाषा में दिए गए संस्कारों की नितांत आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और संस्कृत दिवस के इस अवसर पर रोटरी क्लब अंबाला के सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुनीता जी, बहुत अच्छी बात आपने हमारे साथ साझी की है। सार पूरे का पूरा आपने हमारे साथ साझा कर दिया है वेदों का। तो बहुत संक्षेप में बात करने के लिए श्री अनिल जी, डॉक्टर अनिल जी, क्योंकि उसके बाद फिर हम इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि समय जो है वो अधिक हो गया है। किसी और की? अनिल जी अपने को अनम्यूट कीजिए। अनिल आप? नहीं नहीं, ये कुछ और है। चलिए, मुझे लगता नहीं है कि उनका कुछ वक्तव्य शेष है, तो धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ओम बनमाली जी को, जो रोटेरियन है। आज की सभा को समाप्त करने से पहले हम तीन विद्वानों को
सम्मानित करना चाहेंगे रोटरी क्लब की ओर से? हाँ, तो धन्यवाद प्रस्ताव से पहले आज के हम तीन विद्वानों को संस्कृत के उनको सम्मानित रोटरी क्लब की ओर से उनके कार्यों के लिए करना चाहते हैं, तो ओम बन मालिक जी। धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष अंग्रेस जी। रोटरी क्लब इस प्रकार के प्रकल्प करता रहा है और इस विशेष प्रकल्प अपने आप में विशेष इसलिए भी है कि आम तौर पे संस्कृति के इस पक्ष से संस्कृत के जुड़ाव को महसूस कराने की कोशिश हमारे क्लब में भी अलग अलग क्षेत्रों से कम ही हुई है। जैसे ही ख्याल आया हमने सोचा कि इसे जरूर किया जाए। उससे पहले कि मैं धन्यवाद प्रस्तावित करूं, मैं रोटरी क्लब अंबाला की तरफ से विद्वानों को सम्मानित किए जाने की प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूँ हमारे क्लब प्रधान जी से कि प्रिंसिपल डॉक्टर विष्णु दत्त जी को सम्मान पट्टिका दे करके सम्मानित किया जाए। विष्णु दत्त ढिल्लों साहब भी आ जाएं, मैनी जी भी आ जाएं, जान जी भी। हाँ जी, हाँ जी, जुल्का जी आप भी आ जाओ प्लीज, आ जाएं, सबको दिखाई देगा। डॉक्टर विष्णु सर शर्मा जी जो प्राचार्य हैं संस्कृत कॉलेज के, आजाद संस्कृत कॉलेज अंबाला छावनी में, उनके संघर्ष के लिए संस्कृत को स्थापित करने के लिए उनको सम्मानित कर रहा है, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि निरंतर उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी संस्कृत कॉलेज को चलाए रखा है, तो उसके लिए वो सम्मान को पा। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अनुरोध करता हूँ हमारे सम्मानित सदस्य खड़े हैं उनसे कि हमारे बीच संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्रा जीएमएन कॉलेज से उपस्थित हैं, कृपया आए, उनको सम्मानित किया जाए। आपका योगदान अद्वितीय है संस्कृत विद्वानों का, जिस प्रकार से जुड़ाव बनाने की कोशिश की जा रही है अपने आप में बहुत कुछ। आप सुरेंद्र गुप्त जी भी आ जाए प्लीज। डॉक्टर राजेंद्र का संघर्ष बड़ा लंबा और बड़ा सार्थक और बहुत उपलब्धि से भरा हुआ रहा है और जिस प्रकार से इन्होंने संस्कृत में एप्लाइड रिसर्च को बढ़ावा दिया है और उसको प्रतिष्ठित किया है, उसके लिए वो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। और मैंने ये बात शुरू में भी ये कही थी कि उन्होंने जितना काम संस्कृत के क्षेत्र में किया है वो कम से कम हरियाणा और पंजाब में उस तरह से उपलब्ध नहीं थी। कितने सारे प्रोजेक्ट्स और कितने सारे और इनोवेटिव काम उन्होंने किए हैं, ये इसके लिए वो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं और हम सभी संस्कृत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अनुरोध करता हूँ मौलाना से डॉक्टर डॉक्टर चंद्रकांत झा जी पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं एमपीएन कॉलेज मुलाना में। इनका भी बहुत लंबा एक संघर्ष रहा है संस्कृत को स्थापित करने में, अनेक प्रकार की चुनौतियों का इन्होंने जो है वो सामना किया है और जिस स्थान पर इनका कॉलेज है वो बिल्कुल रूरल एरिया है और उस रूरल एरिया में संस्कृत को इस तरह से चलाना
निरंतर इतने वर्षों से वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके साथ वो निरंतर स्वाध्यायशील हैं, कर्मशील हैं, तो उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। इसके साथ ही अगला सम्मान, बहुत मुझे मना किया जा रहा था, संकोच किया जा रहा था, और मैंने कहा था कि हम यहाँ जिस प्रकार का कार्य देख रहे हैं, हर दूसरे चौथे दिन जो प्रकल्प यहाँ पे किए जा रहे हैं, उसके लिए डॉक्टर आशुतोष आंगिरस जी से भी अनुरोध के कृपया आए, उनको भी सम्मान किया जाए, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं कोई और संस्कृत का वो रूप जो दिखाया जा रहा है वो कहीं नहीं आपको देखने को आप भी आ जाए मैडम दोनों मैडम मीनाक्षी जो ये सारी कार्रवाई रिकॉर्ड कर रही है उनसे भी अनुरोध है कि कृपया आ जाए मैडम मीनाक्षी कंप्यूटर साइंस की आप इंचार्ज हैं और इनके माध्यम से ही ये बात आगे पहुंच रही है कृपया पूरी दुनिया देख रही है इसको कृपया खड़े रहेंगे एक मिनट हमारे मैडम चांद चावला जी का हमारे यहाँ परंपरा है कि पिछली मीटिंग से अगली मीटिंग के बीच में जिनका जन्मदिन आता है उनको भी हम अभिनंदन करते हैं। मैडम चांद चावला रोटरी क्लब की तरफ से आपका 18 अगस्त को जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। साधना जुल्का जी वो उपस्थित नहीं है लेकिन जुल्का जी उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध, उनका भी जन्मदिन था, रोटरी क्लब के बहुत सम्मानित सदस्य हैं, उनको भी अभिनंदन किया जाए। दो मिनट और दूंगा, आप स्थान ग्रहण करें। हाँ जी हाँ। आशुतोष जी। हाँ जी। Can I add something which is not included in your original 3-4 questions regarding Sanskrit language? Yes, or you can, but very briefly, because they are winding up this session. But briefly, you can share your later, thoughts. Later. Please. Okay. We have uploaded all of you from here. Ji, ji. Thank you. Dhanyavaad. हाँ जारी रखें बोलना। हाँ सदानंद जी प्लीज। यस आई एम हियरिंग सर। प्लीज शेयर व्हाट यू वांट विश टू से। आई कैन टेल नाउ। ओके राइट। इन दिस वेबिनार टुडे द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट नेशनली रीजनली एंड locally. From the psychology point of view and psychological therapy point of view, I would like to point out that Sanskrit is a psychotherapeutic language because it is directly coming from Lord Krishna to Arjuna. And when we are symbolizing the whole Bhagavad Gita, Krishna is our intellect and Arjuna is our warrior, ourself, and the Kurukshetra is the place where we are. And it is an auto-psychotherapeutic approach. Another question that I want to ask is, it is a Deva Bhasha. So many people, so many presenters have said that it is a Deva Bhasha. I want to ask a question.
try abusing somebody in Sanskrit language, it is practically impossible. You won't find these abusive language. Every stanza, every paragraph has the mention of none other than the Supreme Soul. And psychotherapeutic language, if it is introduced much more actively in the day-to-day life. I will give an example. There is one village in Mandya district in Karnataka, where in the village, the postman, the postmaster, the person who is selling vegetable in the market, everybody speaks Sanskrit. It was because of one professor of Sanskrit who insisted that side by side with Kannada Bhasha, you learn Sanskrit and you talk in Sanskrit also. They are not talking very high literary language. But it is possible to work in Sanskrit, not only for the computer and specialization. In the ordinary language, the ordinary day-to-day transaction, we can use Sanskrit and make it more, what you call, acceptable to the common man. Now also, Sanskrit is a light language, even now. From that point, to make it more popular, we will have to do workshops where you are using the Sanskrit vocabulary, how we can transact in the day-to-day life. And any language you can introduce to the computer, and the advantage will be there. And so is Sanskrit. People have already started trying. There will not be any difficulty or obstruction. Thank you, sir. So, I think I would like to emphasize that Sanskrit is a psychotherapeutic language. Yes. Thank you. Thank you, Dr. Sadananji. Dr. Sadananji is a doctor by profession and from the South, and very good scholar of Sanskrit language and art and culture. And he is using Sanskrit for the psychotherapist practices also. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. So, please continue. Mali, please. जब इस परिचर्चा की धारणा हमने डॉक्टर साहब से बातचीत की, क्योंकि हम देखते रहते हैं यहाँ किस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे हैं, और हमने सोचा कि संस्कृत से साथ जुड़ने को रोटरी के इस माध्यम को भी इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा। संस्कृत ऐसा विषय है कि जिसकी जितनी परतें खोलते जाओ, जितने आयाम देखते जाओ, तो वो चमत्कृत ही करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से निर्बाध और इस प्रकार से चमत्कृत होता रहा हूँ बचपन से ही संस्कृत से, कि इसका एक जुड़ाव मेरे साथ हुआ और वो जुड़ाव ही इस रूपरेखा को बनाने में समर्थ रहा। वाणिज्य हो, स्वास्थ्य हो, मनोविज्ञान हो, जीवन आचरण हो, हर क्षेत्र, हर व्यवहार को संस्कृत छूती है। ये आयाम आम व्यक्ति या इवन पढ़े लिखे सुसंस्कृत जो कहते हैं उनको भी नहीं मालूम। ये ऐसी परिचर्चाओं से ही मालूम होता है कि सामर्थ्य क्या है, भाषा क्या है, व्यक्तित्व विकास में कहाँ है। इवन MBA के जो प्रबंधन संबंधी सिद्धांत है, वहां भी संस्कृत के सूत्रों की विशद व्याख्या किए जाते हुए मैंने कार्यशालाएं अटेंड की, तो वहां मालूम होता है कि अधुनातन प्रकार की जो हमारी जीवन शैली है उसका कायाकल्प कर सकने की सामर्थ्य संस्कृत में है। शर्त ये है कि उसको उस प्रकार से पढ़ाया जाए, समझाया जाए, जोड़ा जाए
ताकि वो संस्कृत संस्कृति का कायाकल्प कर सकें और उसे गर्त में जाने से बचा सकने के रास्ते खोज सकें। इसके साथ मैं व्यक्तिगत रूप से रोटरी की तरफ से सभी आए विद्वानों का, सभी रोटेरियन सदस्यों का, यहाँ के स्टाफ का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इस प्रकार के प्रकल्प हम आगे भी करते रहेंगे और किसी मौके पर और किसी संदर्भ में और किसी स्थिति पर। इसके लिए पुनः आप सबको बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही मैं अपने क्लब प्रधान से अनुरोध करता हूं कि वो सभा विसर्जन का घोषणा करें, उसके बाद हम चल पाएंगे। धन्यवाद। सभा विसर्जित अभी अल्पाहार जो है वो ग्रहण किया जाएगा। इसके अनुरोध के कृपया हमारा साथ दें। ऑनलाइन जुड़े हुए सभी साथियों से के प्रति मैं रोटरी क्लब और चारों कॉलेजेस की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक इन बातों को सुना और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। और यदि किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, और अगर कोई और कोई आवश्यकता होगी तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। सदानंद जी, वी विल टॉक अगेन इन द इवनिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।